champions. छुरी नहीं भगाने में ना क्या छुरी नहीं। अब तूने मेरे बाप के बारे में माँ के बारे में बात की है। नहीं सुननी मुझे किसी की भी बात और ना मैं सुनूंगी और अब मैं आपसे इसी लैंग्वेज में बात करूंगी क्योंकि आपको इसी लैंग्वेज में सुनना सुनना मैंने तो मौत मांगेगा मिलेगी भी नहीं इस घर में वो जहाँ वॉशरूम में भी आऊंगी। Nowadays it usually happens के young blood जो है जब इस्लाम के बारे में बात करते तो deny कर देता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी। I just don't understand कि आप अपने रिलेशन को deny क्यों करते हो और I believe कि आपको पता होना चाहिए आपके अपने रिलेशन के बारे में। I'm so happy कि ये वाला चैलेंज आया कि जिसके अंदर आपको इस्लाम के बारे में बात करनी थी आंसर्स देने थे एंड I'm damn sure कि I'm gonna win it। जो पहली चप्पल पड़ी ओ गॉड जब मुझे पड़ रही थी ना तशरीह पर अरे मैं आपको बता नहीं सकता ऐसी ऐसी जगहों पे लाल लाल गोले बने हुए हैं ना कि बस मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता इस पे यार। आमिर आए कुछ पहन के आए नहीं एक तो जूती मैंने खा ली किस लिए खाई कि राबेल का दिल ना टूटे चलो मैंने इसलिए खा ली अपनी इज्जत बेइज्जती मैं कभी ये करता नहीं लेकिन क्या करूं अब राबेल के लिए सहना पड़ेगा। जी हमाद आए चप्पल पड़ी ओ गॉड इतनी जोर से पड़ी कि मैंने हमाद की शक्ल देखी एंड ही वाज लिटरली शिवरिंग तब मुझे था कि या ही इज गोना बैक आउट एंड आई वाज राइट आई वांट टू बैक ऑफ खत्म Yes. नहीं खेलना मैंने तो भाई आमिर को पहले ही कह दिया था कि भाई जब ये चप्पल पहनने वाली बात है तो हमार तो फौरन बैकआउट कर जाएगा बिकॉज मैं आज ही वॉशरूम के पास जो है स्लिप हुआ मेरे बम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो सूजे हुए हैं तो इतना नहीं डैमेज ले सकता इसका मतलब मारिया आप भी बाहर हो जाएंगे यू कैन सी मैंने तो बैकआउट नहीं किया पर जस्ट बिकॉज इफ हमार मेरा पार्टनर था तो हाँ इट्स ऑब्वियस के उसने बैकआउट कर दिया तो मुझे भी जाना पड़ेगा पर अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी पॉजिटिव है और अगर उसकी जगह कोई और डेयर होता तो मैं भी चप्पल खा लेती आई वाज ओके विद इट बिकॉज इट्स जस्ट गेम और आप गेम में तो गेम ही खेलने आए हो राइट इसका मतलब ये हो गया हमाद शो से जाएंगे वो सोच रहा होगा कि वकार भाई बोलेंगे कि वोट आउट तक गया है लेकिन वकार भाई ने बोला फौरन बैक पे चल निकल सबसे आखिरी दफा मिलने जाते हुए क्या कहना चाहेंगे इट वाज गुड टू नो ऑल ऑफ यू सबसे जो है जो भी आज टास्क था इससे पहले जो भी हुआ वो सब इट वाज द पार्ट ऑफ गेम तो नो पर्सनल ग्रजेस सबसे बहुत अच्छे से वो हुआ तो कुछ भी बात अगर बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और यहाँ मिलके सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग बहुत अच्छे हो और देखना चाहता हूँ आप में से कोई एक विनर बने और उस लूसी हमाद की बारी आई जूती खाने की लेकिन वो तो भाई आपका है मीठा मुझे पता था वो नहीं खाएगा लेकिन वो जब बारी आने पर बोल रहा है मुझे नहीं खाना मुझे नहीं अबे तू लड़की के खा ले हम लोग लड़के और लड़के होके खा रहे हैं तू नहीं खा रहा सवाल ये है एक गैर मुस्लिम है कोई उसको आपने सूर्य फलक समझानी है अभी मैं अरबी में बोलूं तो आप एक सेकंड में सुनाएंगे क्योंकि रट्टा पक्का है सबका क्यों पढ़ते हैं आप कौन बताएगा जल्दी बताइए 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब मुझे तो उसका तर्जुमा बताना भी नहीं आ रहा था मुझे मैंने कभी उसका तर्जुमा मेरे ख्याल से मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल भी सूर्य फलक खुला ये रट्टा जो है ना इस वजह से यूथ खराब है हमारी उर्दू में पढ़ाएं समझे तो सही क्या पढ़ रहे हैं रट्टे से क्या फ़ायदा होगा आपको गाने क्यों याद होते हैं क्योंकि आपकी ज़ुबान में होते हैं आप नाचते क्यों इस गाने पे फील क्यों करते हैं आपकी रूह क्यों झूमती है उस पे क्योंकि आपको समझ आ रहा होता है ये तो समझ ही नहीं आता इस्लामी सवाल तो हम लड़कों को आते थे लेकिन इन लड़कियों को नहीं आते थे सूर्य फलक आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देती है देखें इसको बताने का तरीका ये होता है कि मैं एक काम शुरू जब करने जा रहा हूँ तो उसको शुरू करते हुए अल्लाह ताला तेरी वो मखलूक जो अन इंटेंशनली मेरे काम को ख़राब कर सकती है इसकी मिसाल इस तरह लें आपने एक पौधा लगाया पौधा लगाने के बाद बकरी उसे खाने आएगी बकरी का मकसद ये तो नहीं है आपका काम ख़राब करे लेकिन अल्लाह ने उसे डिज़ाइन ऐसे किया है वो तो अपना काम कर रही है तो आप कहते हैं अल्लाह ताला तेरी ऐसी मखलूक जो अन इंटेंशनली मेरे काम को ख़राब कर सकती है उससे बचा फिर अगर एक पौधा आपने लगाया हुआ फ़र्ज़ कर लें तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको सूरज और जो रोशनी या पानी चाहिए उसकी ज्यादती ना हो जाए मेरे काम को जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट हो फिर उसके बाद आता है कि अल्लाह ताला
अगर मेरे काम के लिए कोई काला जादू कर रहा है, सिफिल इल्म कर रहा है, तो उससे बचा। फिर आता है हसद से बचा। इस पे तो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं ना, ये तो आपने एग्जैक्ट बताना है। इसके अंदर कोई अंदाजे नहीं चलेंगे। कोई सबक तो नहीं है ये सोशल स्टडीज, या फिर आपके कोई साइंस के आपने दो क्वेश्चन मिस कर दिए, तीन क्वेश्चन मिस कर दिए थे? अब मैं बोलूं जी नहीं जी, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट का होस्ट हूं, तो मुझे इस्लाम का नहीं पता हो सकता, वो तो रमजान ट्रांसमिशन वाले को पता होना चाहिए। गलत बात है ना बिलाल जी, क्या ख्याल है? आना पड़ेगा फिर। आइए। तो भाई चप्पल खाने के बाद हम लड़कों के रिएक्शन तो नहीं आ रहे थे, लेकिन लड़कियों के रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे थे, और ख़ास तौर पर राबेल मैम के, मिस पैनिक, वो तो बोल रही थी जल्लाद को बाहर आके मिल, बाहर आके मिल। जी जाया बताया नहीं भाई, खानी पड़ी। हार माननी है किसी ने? अब तो खा लिया सर, अब तो नहीं जाऊंगा। लगता है अब नहीं पड़ेगा? अब इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज पढ़ने का तरीका एक सूरा में बयान फरमाया है, उस सूरा का नाम लिख दें। 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उसके आस पास की भी सूरा हुई तो मान लिया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। कशफ नहीं लिखना आपने? लिखना है लेकिन पता ही नहीं है। ले लें क्यू कार्ड। जी जिसने नहीं लिखा वो पहले बताए। कशफ और रुबैशा आपने कुछ भी नहीं लिखा? मैंने लिख के काटा था। क्या लिखा है आपने? पहले मुझे बकरा लग रही थी, फिर मैंने कहा आले इमरान है शायद। पूरी बात किया करें तमीज से। पहले मुझे लगा कि सूरह बकरा है, फिर मुझे लगा कि आले इमरान है, तो फिर मैंने बकरा। आप अभी चॉइस ले सकती हैं। आले इमरान जी। इकरा लिखा है, सूरह इकरा। तो नमाज पढ़ने का तरीका वैसे कैसे सीखा था, पहली दफा किसने बताया था आपको? आसान नमाज से याद किया था मदरसे में। आपने? मामा ने सिखाया था। ठीक है। आसान नमाज कैसे पता चला कि इस सूरह में होगा? अंदाजा ही लगाया। और मैं कह रहा था अगर ना पता हो तो बोले नहीं पता, तो तुक्के क्यों लगा रहे हैं इसमें? क्योंकि उसमें लिखा है पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। नमाज पढ़ने का तरीका पूरे कुरान में कहीं नहीं बताया हुआ। अच्छा, कहाँ है कुरान में? कुरान में तो जिक्र है नमाज का, पढ़ने का तरीका तो है ही नहीं। तो जो नमाजें पढ़ते हैं आप लोग, उसी का नहीं पता आप लोगों को कि कहाँ से आपने सीखा है। बिलाल बनती है ना चप्पल जी? आइए। हार माननी है? नहीं नहीं, हार नहीं माननी। अफसोस तो हो रहा था, मगर सीरियसली हंसी बहुत टाइट वाली आ रही थी, स्पेशली जब वो बर्फानी रीछ के पड़ रही थी। हाय अल्लाह, दिल को जाके सुकून मिल रहा था। सही नहीं बताया था। क्या बताया इसने? सही नहीं बताया। क्या बताया क्या इसने? पता नहीं था। तुम सुन ही नहीं रहे कुछ? क्यों सर, आप बता रहे ना इसलिए। नहीं तो इसने भी तो बताया। हाँ। अच्छा कहाँ से नमाज का तरीका? वो बताया मम्मा से सीखा है इसने बताया कि मैंने मम्मा से सीखा है, लेकिन कुरान में तो आया ही नहीं है आपने कहा, तो इसने सूरत बकरा लिखी थी। इकरा। इकरा। सही लिखा है? नहीं सर, आपने कहा आस पास। आप बताएं इसने सही जवाब दिया? नहीं सर। पर तो फिर इतनी लंबी क्यों कर रहे हो? आ जाओ। आया? और अनफॉर्चुनेटली मुझसे हो गए कुछ, क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि देख के सही भी आंसर्स जो थे वो गलत हो गए। और फिर जब उसने मारा, मेरा दिल चाह रहा था जब वो जूतियों घुमा रहा था कि ये एक जूती घुमा के इसको दूं। एक आखिरी सवाल है, जिसने जवाब दे दिया उसके पास पावर आने वाली है। किसको लगता है उसे इस्लाम के बारे में पता है ज़्यादा? आपको। कैसे? क्योंकि मैंने मदरसे में पढ़ा है, 3 साल हिफ्ज़ किया है, फ़ज़ाइल अमल की बहुत ज़्यादा तालीम वगैरह करवाई है, दर्स मदारिस में भी गई हूँ, दर्सों में भी बहुत गई हूँ। क्या फ़ायदा हुआ अभी उसका? अब लग रहा है कि कुछ नहीं पता, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं। जनरल नॉलेज तो है ही नहीं इसमें कहीं? नहीं, इसमें कुछ है ना ऐसे क्वेश्चंस। जैसे नमाज पढ़ने का तरीका? ये जनरल नॉलेज है? नहीं, जनरल नॉलेज तो ये होता कि कितने दफ़ा कोई जैसे पूछ लेते ना, कितने ज़ेर ज़बर पूछता अगर मैं। हिस्ट्री तो पूछ ही नहीं रहे हम, तो पूछ रहे हैं जो आम जिंदगी में आप करते हैं वो जी। आखिरी सवाल है,
ईद मनाते हैं आप लोग? जी। दोनों ईद कब कब मनाई जाती हैं? और आयतल कुर्सी इसी तरह किसी गैर मुस्लिम को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? गो। ईद भी नहीं पता, ईद मनाती हो? कपड़े वपड़े बनाती हो उस पर? कब आती ईद? कुछ याद ही नहीं आ रहा। छोटी बड़ी ईद, बकरा ईद, आप याद आ रहा है? मुझे तो याद है। आपसे तो पूछा ही नहीं। कश्यप क्या हुआ, क्यों नहीं याद आ रहा? वो कहाँ है, मैं बताऊँ? लिखो। लिख लिया। नहीं, क्यों कार्ड दे दे ताकि मुझे पता हो। कश्यप आपने क्या लिखा है? जो हम बड़ी ईद मनाते हैं वो हम शाबान में मनाते हैं, और मुझे लगता है जो हम छोटी ईद मनाते हैं वो हम रमजान में मनाते हैं। दोबारा समझाइएगा कैसे? रमजान और शाबान करीब है, बताएं, एक्सप्लेन कर दें तो शायद बात हो जाए। रमजान में जैसे हम एक ईद मना ली, हाँ, रमजान हो गया। हाँ, फिर जो हम गाय काटते हैं। जी, गाय? गाय क्या? गाय को जो काटते हैं वो फिर हम जो बड़ी ईद होती है वो शाबान में मनाते हैं। शाबान में मनाते हैं, कब नहीं आ रहा। जी बताए राबिल। ईद उल फितर फर्स्ट शवाल, ईद उल अधर 10 ज़िलहज। जी आपने क्या लिखा है रुबैशा? हम लिखा है। क्या लिखा है आपने? रमजान के 30 दिन का जो आखिरी जो रात होती है चांद रात से स्टार्ट हो जाती है, और जो शवाल की फर्स्ट लग जाती है, जब 3 दिन चलती है। और तो शवाल को क्या मनाते हैं? ईद उल फितर। ओके। छोटी ईद, खुशियाँ वाली। और ईद उल जुहा जो है वो हम मनाते हैं हज के 10 दिन, हज के 10 दिन बाद, 10 तारीख को। जी बिलाल क्या लगता है? ठीक है इनका जवाब आई थी। तो राबेल और रुबैशा का जवाब ठीक हो गया। या बिलाल और आमिर कैसा लग रहा है बच के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे बच्चे। कैसे सर? इन्होंने तो बिल्कुल सही बताया, एक शवाल और 10 ज़िलहज, मुझे यकीन रहा है। और इन्होंने क्या बताना था? आयतुल कुर्सी का बताया ही नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन में भूल गई थी लिखते हुए। तो ये टीचर का कसूर है इसमें? मैं पूछने वाली थी टाइम को तो भूल गई। एक मिनट, तो आयतुल कुर्सी का तो आपने लिखा ही नहीं कहीं? वो बता देंगी सर ज़बान से। कंफर्म? और नहीं बताया तो 2 पढ़ेंगे अब। वर्ड टू वर्ड तो नहीं पता। मैंने क्या सवाल किया, पहले तो सवाल बताएं। आयतुल कुर्सी का तर्जुमा क्या? और क्या मैंने पूछा? किसी को नॉन मुस्लिम को समझाना। किसी नॉन मुस्लिम को आप तर्जुमा बताएंगी? नहीं। क्या बताएंगी? उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके। पढ़ रही हैं किसी के सामने आयतुल कुर्सी? आप पढ़ रहे हैं? पूछ लेगी तो पूछता है ना, क्या पढ़ रहे हैं आप और क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप जो उसका मफहूम है वो बताएंगे। बताएं जी। इसलिए पढ़ते हैं फॉर प्रोटेक्शन, और नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। ये मैंने नहीं पूछा किसके बाद पढ़ते हैं। आप एक सिचुएशन में हैं, आप पढ़ रही हैं, और एकदम एक गैर मुस्लिम ने बोला भाई तुम क्या पढ़ रही हो? अच्छा क्यों पढ़ रही हो? एक जी, इसलिए पढ़ते हैं जैसे मुझे जब डर वगैरह लगता है जिन वगैरह। आपको डर लगता नहीं है? देखें जब आप किसी को भी समझा रहे होते हैं ना, आयतुल कुर्सी का रट्टा नहीं सुनना, हमें तो ये बताना है कि भाई क्यों पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ क्या है इसमें, क्यों आपको यकीन है। आयतुल कुर्सी आपको ये बताती है कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन दोनों का मालिक भी है और मलिक भी है। इसका मतलब ये है, और इसके साथ साथ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी गोरे को समझाना हो, उसे आप कहेंगे देखो यार सिक्योरिटी पे अगर कोई बंदा होता है तो आपको पता है 12 घंटे की ड्यूटी के बाद थक जाएगा, तो आप इस पर इतने डिपेंडेंट नहीं होते। आप कहते हैं यार सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारा, या सिक्योरिटी का कोई अगर आपके पास CCTV लगा है तो आपको पता है इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। आयतुल कुर्सी में एक्सक्लूसिवली ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला को नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती। लिखा भाई जी, इसलिए आप अल्लाह पे डिपेंड कर रहे हैं कि मेरी प्रोटेक्शन अल्लाह कर रहा है, जिसको नींद नहीं आती, जो थकता नहीं है, जो दोनों जहान का मालिक है, और इसके साथ साथ उसके इख्तियार में है, उसके इख्तियार में है कि वो किसी को आपकी सिफारिश करने के लिए अलाउ करे या ना करे। शफात का जो इसमें जिक्र हुआ है उसका मकसद ये है कि आखिरत में हम अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के लिए बढ़ेंगे। तो अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया होगा तो वो उनकी शफात हमें मिलेंगी जी। आप किसी को बताएंगे ना कि मेरा बिलीव है, एक एथियस्ट है, वो कहता है मेरा बिलीव नहीं अल्लाह पे, तो आप कहेंगे हमारा बिलीव है, वो कहेगा वो कैसे प्रोटेक्शन कर सकता है इतना, तो आप बताएंगे अल्लाह खुद फरमाता है कि
आसमान और जमीन का मैं मालिक हूँ और इसकी हिफाजत करने में मैं थकता नहीं हूं। ये है आयतल कुर्सी का मेन कॉन्सेप्ट। क्योंकि नहीं थकता इसलिए आपको यकीन है कि भाई अल्लाह हमेशा मौजूद है। तो चैंपियन बनने के लिए जरूरी ये है कि आप सही तरह बात करेंगे। भाई जिस मजहब को फॉलो करते हैं उसका पता होना चाहिए ना, ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, प्रोटेक्शन है, दो दो पड़ेंगी। अरे क्यूट, क्या करता है क्यूट? बैकआउट कर दें हमें? नहीं सर, अभी क्या, वो बैकआउट ही नहीं कर रहा कोई, आ जाए। मैं कभी ये करता नहीं, लेकिन क्या करूं, अब रावल के लिए सेना पड़ेगा। एक जूती खाने के बाद दूसरी जूती, तीसरी जूती और चौथी जूती, चार जूतियां खाने के बाद बाद भी मेरे आपके भाई के एक्सप्रेशन चेंज ना हुए। तो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया कि दीनो दुनिया आपकी चेक करने की कोशिश की हमने। जो भी चैंपियन बने उसको इस्लाम जो कंपलसरी आना चाहिए, तो भाई मैं कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल सही डियर वकार भाई ने चूज किया था इस्लाम के वाले से। दो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं, हमाद और मारिया। अब बाकी आप लोग हैं, आप लोग आराम से अपने घर में जाएंगे और घर में जाने के बाद आपको वहाँ अनाउंसमेंट मिल जाएगी थोड़ी देर बाद कि आप लोगों में से कौन बाहर जाएगा। जब मैं घर पहुंची, अब मुझे बिलाल पे तरस भी आ रहा था यार, उस बेचारे ने मेरी वजह से इतने जूते खाए। मैंने उसको बोला यार ऐसा कर, मुझसे वैसलीन ले ले, कोई क्रीम ले ले, लगा ले। घर में आइस नहीं थी, मैंने कहा यार वरना मैं इसको आइस देती लगा देता, लेकिन उसने मुझे बोला नहीं नहीं आई एम ओके। बिलाल अपनी बदतमीजी नहीं करो, अच्छा वो तो पागल है, तुम भी हो। बदतमीजी नहीं करो बिलाल से। बिलाल किधर हो? बिलाल बिलाल को क्रीम व्रीम चाहिए? अपना टेंट गिफ्ट करके जाओ मुझे। क्या लाना है? वो ब्राउन वाला? हाँ ब्राउन वाला बैग और वो ब्लैक वाली बॉटल और वो शरक भी लिया। ये तो तेरी पड़े बॉटल वो लिया। शॉल ये ले, पकड़ 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 एलिमिनेशन, ये ले पकड़। दानिया तुम लोग क्या बैठ रहे हो? हाँ हाँ मैं बस हम लोग का यही रूम है। कौन सा बेड किसका? ये किसी का है? नहीं मैं ले रही। मैं लेट जाओ, मैं रेड वाले पे आ जाऊंगी। खैर बस सही है। और मैं पर्पल वाला तोड़ के जा रही हूँ। तुमने यार कटवा के नहीं जा रही? किसने? पहले तो जा। मारिया ने, मैंने इतना किसी को नहीं बोला जितना तुम्हें बोला है मैंने। क्या? पांडर बनने के लिए। पागल है ये, पागल है। मैं कभी भी इसे निकलने नहीं देता। मुझे पता है, मैंने इसको अंदर बोला भी एक बार। अपनी वजह से तो मैं कभी नहीं निकलने देता। मैंने कहा यू शुड हैव बीन पार्टनर विद आमिर। अपनी वजह से मैं तुम्हें कभी भी नहीं निकलने देता। वेरी सिंसियर। कोई बात नहीं हमाद, ऑलमोस्ट तुमने अपना पूरा हमाद, ऑलमोस्ट तुमने अपना सब कुछ पैक कर लिया? हाँ शायद। कम ऑन यार प्लीज, तुम लोग यहाँ से जाने के बाद तमाम स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे मुझे सेंड कर देना, या एवरी पे यू कैन फॉलो रिक्वेस्ट मी यार। अभी है फातिमा राबेल जा रहा है, मैं चेंज करके जाऊंगी। मैं जल्दी साथ जाओगे तो जल्दी बन जाएगा। हाँ ना सारे हेल्प। अब इधर भी दे दे कुछ, मुझे भी दे के ला दे। ये जेली है थोड़ी सी, अच्छा थोड़ी सी खिला यार। अब कोई खीरे गाजर ना खाए यार, वो देगी। कैसे? कोई खीरे गाजर नहीं खाए और दे। रुक जाओ, मारिया को खाते देगा, तभी तो मुझे गुस्सा आया था उसको। मैं डायरेक्ट नहीं बोल रही थी। अबे करती है मत, तो है लेवल को ठीक हो गए। जा रही हूं मारिया, थैंक यू। आपकी ये जो पोनी है ना, ये मेरे पास रहेगी। कोई बात नहीं, तुम इसके इंस्टा यूजर नेम पूछ लो। नाम क्या आपका इंस्टा में? मारिया.chan.tuna। फॉलो बैक दे देना, सिर्फ सही है, तुम्हारे फॉलोअर्स बनने में नहीं इंटरेस्ट। जैसे कि आप सब लोग यार, अच्छा एक तुम लोग सुनो, एक बात की थी ना कि भाई जैसे कि आप सब लोग ने देखा था कि जब से हम लोग इस घर में आए थे तो मेरी ज्यादा जो
बॉन्डिंग थी वो मारिया के साथ रहती, हम लोगों ने बेड शेयर किया, हर चीज़ एक साथ थी, बातें भी एक साथ शेयर करते थे। मगर आज जब वो एलिमिनेट हुई और जब मैंने मारिया से बात की, तो मारिया का जिस तरह का एटीट्यूड था, उसने मुझसे जिस तरह से बात की कि मैं तो यहाँ से जाने के बाद किसी को भी याद नहीं करूँगी, तो एक्चुअली वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं उसको मैंने यहाँ पे उसको अगर अपना फ्रेंड बनाया था तो मैं बहुत दिल से बनाया था, मैंने शो से रिलेटेड उसको फैन नहीं, अपना फ्रेंड नहीं बनाया था, मगर उसने जो ये हरकत की तो बहुत बुरा लगा। आज मेरा टोटली दोस्तों के ऊपर से नहीं, इंसानों के ऊपर से यकीन उठ चुका है। नहीं होती, जो गलत है उसी को गलत बोला। हाँ, मारिया यहाँ पे सब सही थे, मारिया गलत है। एवरीवन हैज सीन कि मैं मारिया के लिए कपड़े इस्त्री कर चुका हूँ, उसके लिए बर्तन धो चुका हूँ, उसका बैग ठीक करता था, उसका बैग पैक करवाने में हेल्प की। मैं सिर्फ ये टास्क इसलिए नहीं करना चाहता था बिकॉज़ मैं मारिया के सामने अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था कि उसके सामने मेरा इमेज ख़राब हो, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द टास्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू जानू, जो ना खाए मुझे दे दे। आओ जा, वो नहीं खाएगा भाई, जो ना खाए वो मुझे दे। अच्छा, हम लोग बड़े मज़े में बैठे हुए, हमने कहा बस आज का डेयर ख़त्म। उसके बाद वकार ने बोला वापसी आओ। अब बेचारे जो हमारे लड़के हैं उनकी तशरीफ़ें वैसी सूजी हुई, उसी जगह वापसी ले गए। मैंने कहा फिर से सुझाएंगे, लेकिन तो भाई वकार के दिमाग में तो कोई और ही चीज़ चल रही थी। अब आप लोग रह गए हैं 8, बहुत मुबारक हो, टॉप 8 तक पहुँचना कोई मामूली बात नहीं है, काफ़ी टफ है। तो चैंपियंस, पहले देखा गया कि आप पार्टी कितनी करते हैं, फिर देखा गया कि आप दीन को कितना समझते हैं, अब देखा जाएगा डेयरिंग कितना है। डेयरिंग, ये भी डेयरी है, और क्या दिया जाएगा। तुम पहले वक्त से पहले भी बोलते हो ना। हाँ बताओ। पता नहीं क्या होगा, सारे शोर उठे, पता नहीं भाई। अब करना ये है कि चैलेंज इंडिविजुअल बेसिस पे होगा, अकेले अकेले, कोई किसी का पार्टनर नहीं है। जो जीतेगा उसके हाथ में पावर्स आ जाएंगी दूसरों को एलिमिनेट करने की। कोई किसी को बताएगा नहीं, कोई किसी के क्यू कार्ड में झांकेगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कुछ लिखने को। अगर आप लोग ये नहीं कर सके तो क्या होगा? हमें भी चप्पलें पड़ेंगी। अब सजा सबको मिलेगी चप्पलों की। फिर वकार ने पकड़ाए हमें क्यू कार्ड्स, फिर उसने बताया कि अब हमें क्या करना है। डेयर आपका ये है, जिस मुल्क में रहते हैं उसकी जुबान कौन सी है? उर्दू। 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 कितनों को लिखनी आती है? क्या हुआ? मैं ज्यादा नहीं आती सर, आती है इतनी नहीं आती है। तो हार मान लो। नहीं सर। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा इतनी बुरी तो नहीं है उर्दू और इंग्लिश दोनों मेरी, हो जाएगा काम। नजरें क्यू कार्ड की तरफ, पहला वर्ड है फ्रेंच किस, उर्दू में इसका तर्जुमा लिखना है। ओके, अच्छा। दे दो भाई, हो गया भाई, हो गया। पहला सवाल था फ्रेंच किस, तो रुबेशा मैम बोल दी है कि ये तो करते हैं, लिखते थोड़ी हैं। सजा जो मिलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी सजा लेकर आ जाए। एक तो अंदर जो कंटेस्टेंट्स वो इतनी मनहूस शक्ल है, ऊपर से एक और मनहूस शक्ल दिखाई गई जिसके आगे एक मास्क लगा हुआ था। जलाद साहब आए, होगा ये जो जवाब गलत देगा क्या करना होगा? खाएगा ये। यूं करना है, खा लेंगे और ये फुल ताकत से मार देंगे भाई आराम से। अबिया ने फ्रेंच किस का क्या लिखा है? सर मैंने कुछ नहीं लिखा, एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था ये क्या था, तो मैंने फ्रेंच किस ही लिया। क्या होता है ये? नहीं पता था तो मैंने फ्रेंच किस, पता ही नहीं है क्या होती है? नहीं। हाथ निकालो भाई, मारो हाथ निकाल लो, सामने खड़ी हो डायरेक्ट अभी। जी जी खड़े हो डायरेक्ट अभी। हाँ भाई प्लीज आराम से, हाथ हटाया ना तो दो पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी, लेकिन आप सब मेरी गो। मैं तो क्विट करनी हूँ, मुझे नहीं करना। भाई आप मेरे भी भाई हैं। जोर से लगी, जिसने हार माननी हो हार मान ले ताकि हमारे लिए आसानी हो। जी कशफ, आपने क्या लिखा है? चुम्मा लेना। चुम्मा लेना, चुम्मा लेना, हाथ निकालो बेटा। खड़ी हो, कर दे मेरे भी, हाथ आगे निकालो, बस यहीं खड़ी रहो। भाई आप जैसे भी हैं मेरे भी भाई हैं भाई। अल्लाह को वास्ते, ये ठीक है, हाथ निकालो जल्दी। अच्छा एक मिनट, मुझे रोला अरे कुछ नहीं होता, ऐसा मेरा माइक नीचे गिर गया। उई 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 मजा भी से रोना।
हल्के से मारना, आप मेरे भी भाई हैं ना। तुम्हारा मार्कर नीचे गिर गया था क्या? ठीक है। लगी। राबेल आपने क्या लिखा है? फ्रांसी बप्पी। क्या लिखा है? फ्रेंच है वो, फ्रांसी हो गया, केस पप्पी हो गया। फ्रांसी? पप्पी। फ्रांसी पप्पी, आ जाओ। सब उर्दू में कहान भाई। भाई प्लीज आराम से मारना। नहीं, हाथ जो पीछे करेगा उसको दूसरी बार भी मारना। थैंक यू। थैंक यू। आमिर सियाल क्या लिखा है? सर होठों को होठों से चेंज कर। आ जाओ, अभी तुम्हें ये स्टिक चूमती है। दानिया ने क्या लिखा है? गीली चुम्मी। गीली चुम्मी, खड़ी हो जा बेटा। अब गीला होगा सब कुछ। जब पहला डंडा पड़ा था ना तो इतनी खतरनाक चीख मारी थी ना मैंने कि सबके कान के पर्दे फट जाएं। और वो चीख सिर्फ इस वजह से मारी थी कि अगला डंडा शायद थोड़ा सा आराम से मार दे ये जल्लाद का बच्चा मुझे। बिलाल रुबाइशा और याहिया, क्या लिखा है आप लोगों ने? फ्रांसीसी बोसा। फ्रांसीसी बोसा। फ्रांसीसी बोसा। इनका जवाब हो गया दुरुस्त। बोसा पप्पी और बोसा। पप्पी भी तो सही था। हाँ? पप्पी भी तो सही होता है। पप्पी क्या होता है? कुत्ते का बच्चा। पप्पी कुछ भी नहीं होता। भाई। तो फ्रेंच किसको बोलते हैं? फ्रांसीसी बोसा। बिलाल जी, आपको कैसे पता था फ्रांसीसी बोसा? सर बस मिलती रहती हूँ, हल्की फुल्की नॉलेज। सर ये मतलब ये तो सही बात है ना, मतलब हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात? तो राबेल क्यों हंस रही आप पे? पता नहीं, ये बोल रही है कि मेरे को मिली होगी तो मुझे पता है। नहीं मिली। नहीं सर, अभी चाहिए भी नहीं सर ऐसी कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना ठीक है? ठीक है। लेक, एल ए के ई। उर्दू में क्या? एल ए के ई, इसकी ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। डन। उर्दू में ट्रांसलेशन करो। छुपा लो जिसने भी लिख लिया। एल ए के ई लाओ, मुझे दिखा दो जिस जिसने लिख लिया। जी रुबाइशा क्या लिखा है? दरिया। और किसने दरिया लिखा है? अरे वाह, आप लोग बच गए। नहीं शायद नहीं। नहीं ना, रिवर होता है। जेवर होता है, रिवर होता है, दरियाई। लेक का मतलब झील होता है। हाथ निकाल लो आते साथ ही। भाई आप मुझे ये सर, ये पिछली बार भी मेरे यहाँ हाथ लगा रहे थे कमर पे और यहाँ ही यूं कर दें, डायरेक्ट आके मार दें। अरे क्यूटू, क्या करता है क्यूटू? हाथ लगा रहे थे डायरेक्ट, जोर से लगी। करंट आ गया सर। क्या था? करंट वरंट तो नहीं इसके अंदर। हार मान लो ना, क्यों खेल रहे हो ऐसे? नहीं नहीं सर, क्यों क्यों हार मानूं सर। आए रुबाइशा, वहाँ पे पहुंची उसके पास, जल्लाद के पास ना, मैं उसको बोल रही हूँ भाई मैं मदरसे की बच्ची हूँ, मेरी ये बड़ी मोटी चमड़ी, मैंने 9 डंडे एक साथ खाए, ये तू क्या पतली सी डंडी मेरे पास लेके आया, मैंने टेप चढ़े हुए बड़े बड़े डंडे खाए। उस
उसके बाद जो उसने मारा, उसकी जब उससे तपी हुई थी, दिल किया था मैं उस बंदे का मास्क उतार के फेंकूं, फिर यही डंडे इसके मैं पिछवाड़े पे लगाऊं। चेंज करना चाहता हूँ, मैंने नीचे लिखा भी था वो मैंने मिटा दिया थोड़ा, मैंने नीचे क्या लिखा आपने? नदी लिखना चाहता था, नस्ते मार दिया, नदी लिखना चाहता था। अब तो टाइम निकल गया, आ जाए। वेरी गुड, इधर आए, हाथ पे मार दिया। मैं तो उसको थैंक यू बोल के भी जो गुस्सा था ना आ रहा था ना, जो बाद में पड़ी इस में बात मुझे ये बात भी भाई इसका मुंह देख के जाओ। राबेल क्या लिखा है? नदी। और किसने नदी लिखा है? अभिया ने साथ बैठ के चीटिंग की? नहीं एक्चुअली मैंने क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ी थी तो इतना पता था कि क्या हुआ। आमिर सर मैंने लिखा था लेकिन मिटा दिया सर, मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की, मैं वैसे भी चीटिंग में अच्छी नहीं हूं। आ जाए यार, नहीं प्लीज अल्लाह का वास्ते काम तो ना करो, जल्दी जल्दी खा लो भाई, जाओ जा जा जा। लेक का मतलब तो नदी है ना, अभी नदी दिखाता हूँ मैं। आए तुम जाओ पहले, तुम्हें बुलाया है। जिसने हार मान लो, हार मान ले भाई, थोड़ा आराम से मानो प्लीज, जोर से लग। फिर तू बाहर बात नोट कर ले, मास्क तो उतरवा दे, हाथ नोटिस कर, हाथ तो नोटिस कर लिया ना। कश्यप आपने क्या लिखा है? मैंने ना पहाड़। कश्यप आपने क्या लिखा है? मैंने ना पहाड़। लेक हो जाओ, अब याद आया है मुझे, एक मिनट। क्या लिखा है आपने? पहाड़। लेक का मतलब लेक, पहाड़। लेक का मतलब पहाड़, झील। हाँ भाई क्या होगा इसके साथ? डंडा मिलेगी सदा, डंडा। आ जाओ ये पकड़ लो। तुम नहीं गई? अभी मेरा है। और वैसे भाई देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम जैसे भी हो। मुझे रोने में आ रहा है। ये तो बचपन में पिटे थे। कौन रह गया? कौन रह गया पिटने के लिए? कौन तैयार है? मैं रह गई, मैं मेरी आओ ना अभिया। यहाँ भी ऐसे सारा उंगलियाँ नहीं लोगे, ऐसे सेट हो जाता है ये, ना से फूलते हैं सेट हो जाएगा। देखिए आप ना मेरी हड्डी भी मत मारेगा, यहाँ मारेगा आपने। बात बोलूं जी, मुझे कुछ नहीं आता। लेक का मतलब पहाड़ है। मैंने देखा था लेक व्यू कुछ। तो उससे भी लेक व्यू से पहाड़ कैसे बनेगा? मुझे लगा पहाड़ होगा। दानिया और याया रह गए, क्या लिखा है दानिया? झील। जवाब है झील। ओ शिट मेरे माइंड में आ रहा था मैं लिखा ही नहीं। लेक का मतलब है झील, किसी को लगता है गलत बोल रहे? नदी, पहाड़। पहाड़ सबसे जबरदस्त था वैसे। मुझे तो पहाड़ क्या हुआ भी नहीं पता क्या बोल रहा है। हार माननी है तो रो क्यों रही हो? सब रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? जी। मेल फीमेल की ट्रांसलेशन क्या होगी उर्दू में? दो ऑप्शन लिख सकते हैं? नहीं। हो गया, लाओ पहली दफा। मुझे भी याद है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मर्द औरत किस किस ने लिखा है? और राबेल ने क्या लिखा है? क्या लिखा तुमने? क्या लिखा तुमने? आओ याया खाओ। सच्ची में मार मार मुझे भी मार। चलो ठीक है आ जाओ। और किसने लिखा है मर्द औरत? आ जाओ। देखो एक भी डंडा नहीं छूटता। अभी नहीं मारना जब तक बोलूं।
एक भी डंडा नहीं छोड़ने वाला। अरे खा जल्दी जल्दी आओ, पीछे खामोश हो जाओ। कौन रह गया जी? बिलाल क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है सर लड़का लड़की। जल्दी इधर आओ। लड़का लड़की इधर आओ, पीछे खामोश हो जाए। चैंपियंस बन हो गए हैं। जी दौड़ दौड़ से पिटवा रहे हैं। आमिर सियाल आपने क्या लिखा है? मर्द औरत है। आ जाओ। अगर मर्द और औरत है तो मेल पिजन बोलेंगे तो क्या होगा फिर? वो मर्दजात से। अबिया जी क्या लिखा है आपने? वो ही जो सबने। आ जाओ बेटा। क्या सही है? हार माननी है आपने? नहीं। आ जाओ चलो हाथ करो। रोएगी? रो मत, सबको बढ़ेगी। कौन बचा? मैं जी। क्या लिखा है आपने? मुज़क्कर मौनस। आ जाओ। मुज़क्कर मौनस। आ जाओ। मुज़क्कर मौनस कैसे गलत हो सकता है? आ जाओ। मुज़क्कर मौनस मैस्कुलिन फेमिनिन मेल फीमेल मुज़क्कर मौनस। नर मादा तो परिंदों में चला गया ना, तो सही लिखा है बिल्कुल। आओ तो सही। मुज़क्कर मौनस कैसे गलत हो? आ जाओ खड़े हो। और किसने लिखा है मुज़क्कर मौनस? नर मादा किसने लिखा है? आ जाए दोनों, आ जाए अभी फिर। हाँ हाँ। नर मादा क्यों गलत हो रहा है? अभी होता बताता हूँ कैसे। जोर से मारना है। ठीक है हाथ निकाले। क्या क्या लिखा था? नर मादा और मुज़क्कर मौनस। बैठ जाओ। शुक्र। थैंक यू। बैठ जाओ। थैंक यू। जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं हम लोग। हाँ जनरल नॉलेज। हाँ जनरल नॉलेज कर लो। जी सर। हाँ नहीं 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 नहीं। अभी जनरल नॉलेज भी करते हैं। हमने आपने पिटने लिया था इसको मार रहे हैं। क्या हो गया? जनरल नॉलेज। इसको अकेले में मार रहे हैं आगे। इतना मुश्किल तो नहीं पूछा था मैंने। आपने आसान पूछा था लेकिन बंदे भी तो फिर। अब मुझे बताना है किसके पास पावर्स आ रही हैं? किसी के पास नहीं। तालियां के लिए तालियां होनी चाहिए। तालियों वाले हाथ ही नहीं रहे। ताली बजा देते हैं। तो आपका भाई बन गया क्वीन? नहीं बल्कि आपका भाई क्वीन कैसे बन सकता है? आपका भाई बन गया किंग। और जब मेरे पास आई सारी पावर्स तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा अब तो खैर नहीं है इनकी, अब तो मतलब कि ऐसे काम करवाऊंगी ना इनसे कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। लग रहा था आप इस तरह जीत जाएंगे आराम से। नहीं लग तो नहीं रहा था लेकिन उर्दू कुछ थोड़ी बहुत सही है तो बस जीत गई। अल्लाह का करम है जीत गई। देखे ना जिस मुल्क के आप चैंपियन बनेंगे उसकी जुबान आनी चाहिए। और कोई भी लफ्ज इतना मुश्किल नहीं पूछा था। अगर मैं बोलता आपसे मैनुअल की उर्दू लिखें तो क्या लिखते आप? इंसान। ओ क्वेश्चन मार्क डाल। नहीं नहीं इंसान नहीं। जी बताएं बिलाल। मैनुअल ऑटोमेटिक होता है सर। मैनुअल मतलब घेर घेर मतलब वो गाड़ी का जो घेर होता है वो। जी रुबाइशा पता नहीं यार। मैनुअल मतलब जो। अगर मैं चाहता कि आपको हरवाना है सबको मार ही पड़ती रहे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मजा इस चीज में आ रहा था कि आपको मार पड़े, मुझे खुद बुरा लग रहा है। और जितना ज्यादा आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो समझे मैं बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि किन लोगों सेलेक्ट किया जिनको पढ़ना नहीं आता। तो मेरी ज्यादा बेइज्जती है कि आपने ऐसे कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए। तो मैं तो चाहूंगा आप जवाब दे दें। तो मैनुअल की उर्दू अगर कोई बता देगा तो दानिया के साथ उसे जितवा दूंगा मैं। एक सेकंड। एग्जैक्ट वर्ड ना मैं बताऊं? थोड़ा सा पता है वो भी गलत ही होगा। मैनुअल का मतलब होता है
चलने वाला बंदा। जी और बताएं, चांस है? ठहरा हुआ। और बताएं? खुद से करना, मतलब जो ऑटोमेटिक ना हो। जो हाथ से काम। रुक दूं, बता दूं? एक सेकंड। आप बता दें, कुछ समझ। दानिया के पास जो पावर आ रही है आप शेयर कर सकते हैं, वरना दानिया के पास बड़ी खतरनाक पावर आएगी। दानिया तुम मेरी दोस्त हो ना? आपको याद था आप हमारी दोस्त हैं जब आप क्वीन बनी थी? नहीं आ रहा। अपने आप कुछ करना सर, मैनुअल। मैनुअल का मतलब है दस्तूरुल अमल। ओए होए होए, ये भी समझ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने कोई आपसे इस तरह पूछना हो तो मैं आपसे ऐसे सवाल करता जो आप लिख भी नहीं सकते कभी अगर आता हो। तो अब करना ये है कि दानिया जो है वो अगले चैलेंज में उनकी मर्जी है कॉम्पीट करें या ना करें, आप लोगों को करना पड़ेगा इनकी सीट तक पहुंचने के लिए। दानिया की मर्जी है जिस बेड पे सोना चाहे। और ये बात याद रखें, फ्रीज करते हुए जैसे कशफ आप मना कर रही थी हम्मात को, अगर दानिया को कोई भी मना करेगा, कोई भी बोलेगा मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, आप नोट कर लें और बता दें, हटा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से खत्म हो और नए लोग आए। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये फ्रीज करेगी? ये कुछ भी करा सकती है, मर्जी है इसकी, या कुछ भी ना कराए, बात करके अगले दिन आके बोल दे ठीक है, या मैं रात को अभी बुला लूं आपको। बिलाल कर पाएंगे? कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। क्या लगता है, बात मान लेगी तुम्हारी? अब तक कितनी तुम्हारी बनी है इससे? अब तक तो इतनी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कोशिश करूंगा अपनी आज होगी बातचीत, अपनी स्किल्स जो है ना वो दिखाऊं, और हो सकता है कि मान जाए, मतलब 70% है अपने ऊपर। 30% क्यों लगता है कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसको अपना पार्टनर नहीं बनाया था, इस वजह से। अरे क्यूट, क्या कर रहे हो? कब? अभी जो हुआ था, जो टास्क हुआ था, शादी ब्याह वाला। उसमें रिजेक्ट कर दिया था रिश्ता तुमने? नहीं, मतलब ये नहीं हुआ था, जो मेरी बात इनसे अच्छी बातचीत हुई थी पहले से, तो उस वजह से। मतलब रिश्ता ही मना किया ना सर? मतलब मैं याद करा दूं ना से कि क्या किया तूने? तो क्यों मना किया था? क्योंकि इनकी एज इतनी, मतलब एज के हवाले से नहीं, लेकिन इतनी बातचीत भी नहीं हुई थी, और ये जो है वो मतलब हर वक्त सोती रहती है ज्यादा, मुझे लगता है ऐसे। आई एम नॉट है, बुराई नहीं कर रहा। नहीं, बुराई नहीं, आप सच बताएं। लेकिन ये सोती रहती थी हर वक्त, तो उस वजह से। जी रुबैश, आपको लगता है ये आपको एलिमिनेट नहीं करेंगी? अब दानिया बन गई क्वीन। मैंने कहा यार, इस बंदी ने अगर मुझे सफाई का काम दिया, सबसे पहले तो मैं आमिर और राबेल को उठा के घर से बाहर फेंकूंगी। कचरा घर में क्या करेगा भाई, जब मेरे हाथ में सफाई आएगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी इससे बॉन्डिंग चल रही है। आमिर सर, मुझे नहीं कह रहे कि मेरे साथ अच्छी है इसकी बॉन्डिंग। हाँ, क्या नहीं है तानिया? मैं आमिर के बारे में अभी ऑन स्क्रीन भी कह दूं, इनको जो काम कहे ना बंदा कि आमिर भाई ये काम कर दे, आमिर भाई, इन्होंने कहना होता है हाँ अच्छा कर रहा हूँ, और आप 2 घंटे भी बाद वापस जाके बोलेंगे ना हाँ वो काम हुआ, हाँ हाँ कर रहा हूँ। राबेल, आपको लगता है आपको एलिमिनेट नहीं करेगी? नहीं करेगी। जी अभिया, कर देगी? क्यों लगता है? मेरी कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं है इनसे। अब बात करनी है आपने? बात के अलावा यही डेयर है। जी कशफ, बीच में लटकी हुई हूँ, पता नहीं, क्योंकि इन्होंने भी बोला जब तुम क्वीन बनी थी तब तो, पता नहीं मेरी कैसी है, तुम बता दो। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कुछ कोई पंगा नहीं किया, मैं इनके साथ कोई पंगा। क्वीन वाली बात क्या थी? क्वीन वाली बात ही इन्होंने कहा था नहीं मेरी तो दोस्त है, तो मैंने कहा था जब आप क्वीन बनी थी तो आपको दोस्ती याद आई थी उस वक्त, हालांकि मैंने बोला भी था कि कशफ दोस्त जाएंगे, नए लोग आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कैसे होंगे। इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ सब जाएं और मैं 1 करोड़ लेके चली जाऊँ। वकार भाई, मैं उस वक्त मैं ऐसी जगह पे बैठी हुई थी, आपने बोला है कि बहुत स्मार्टली रिएक्ट करना है, तो मैंने तीर चला दिया आसमान में, तो फिर उसके बाद जो है इन लोगों ने घर पे आके सही तरह बात भी नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे तुम्हारा असली रूप देख लिया। नहीं ऐसा, इससे सबसे तुम्हें बात में जब आते हैं, मैं एक बात बताती हूँ, जैसे ही आके सैड हुई थी सबसे पहले तुम्हारे सही हो गए थे, सबसे पहले मैं राबे ही गई थी। मैंने यही बात बोली है, मैंने वकार भाई आपको यही बात बोली, जब मैं घर में गई थी तो सब मुझे यही बोल रहे थे कि बिहेवियर सही नहीं था सबका। अभी क्या कह रही है? कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जब हम वहाँ पे भी खड़े हुए थे, जब हमारा टास्क खत्म हुआ था, हम तब भी इनको कह रहे थे नहीं नहीं इट्स ओके, ये कोई मसला नहीं है। मैंने तो तुम्हें कुछ लोगों का मतलब ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। हैं, तुम बड़ी मेरी माँ बनी हुई हो,
हाँ नहीं एक्चुअली माँ मैं नहीं बनी हूँ, आपको माँ बनने का बहुत शौक चढ़ा है सिद्धरा के जाने के बाद से ना। अच्छा। वो बहुत कुछ सुनने में आ रहा है मुझे। अच्छा सुनने में आ रहा है, क्यों तुम देख नहीं रही हो? नहीं देख तो मैं रही हूँ, वो दरअसल क्या है ना मेरी आंखें खराब है तो आपकी आंखें तो सब पे ही है। तो फिर अपने लाइफ से ही हो रहा है यार। हाँ जैसे आप अपने अपने काम से काम नहीं रखती ना वैसे मुझे भी अब रखना नहीं आता। भाई तुम क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरी मर्जी मैं बोलूंगी। तुम्हारी मर्जी हर जगह चलेगी? हाँ मेरी मर्जी हर जगह चलेगी जैसे आपकी मर्जी हर जगह चलेगी। मेरी आवाज ऐसी दानिया को क्यों सैंडविच बना रहे यार मैंने क्या कर दिया? मैंने सिंपल से बात की थी, बात खत्म हो गई, तुम लोग लड़ने लग गए हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें एलिमिनेट करूंगी, एक बात की है सिंपल सी मैंने। यार क्या सेल्फिश हुआ इसमें भाई? हम अपना डिस्कस करें अपना। एक मिनट तुमने तुम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं बोला था घर में आपसे प्यार से बात कर रहे थे, बल्कि हम मूड ऑफ में बुलाए थे सबके साथ। मैं तुम्हें क्या बोल दूं जैसे ही देख रही हो कैसे बदल गए थे सब। यार मेरा मूड ऑफ था क्या मतलब? आपका मूड ऑफ था, हमारा तो नहीं हुआ था। क्योंकि सिद्धरा मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी वकार भाई, उसने मुझे कहा तो आपको तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और मुझे बोलने लगी ये जिंदगी भर तक चलेगा, और वो मुझे बहुत गालियाँ दे रही थी। कौन? सिद्धरा। और वो बोल रही थी तुम बाहर निकलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होगा। वो उस वक्त मेरा मूड ऑफ हो गया था। अभी क्या प्रॉब्लम है अभी और आपकी? मेरी और अभिया की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे तो चीख रहे क्यों एक दूसरे पे? ये बोलना स्टार्ट किए क्या? एक मिनट अभिया को बोलने दो। जी जी अभिया बोले। अरे हमेशा गलत बात करती है, इधर की बात उधर करना, दूसरे से जाके गलत बात करना, गलत बयान करना, इनका काम ही यही है। दूसरों की लाइफ में पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करना, इनके पास इन सब चीजों के अलावा कोई एक्चुअली इनको मुझसे डे फर्स्ट से मांगनी होती है। ये बोल दिया तो इसकी लगी हुई है, ये दे दो वो दे दो, ये कपड़े मांग रही होती है। हाँ मतलब ये कपड़े मैंने आपसे नहीं, कपड़े आएंगे नहीं, ये मारिया से कपड़े मांग रही थी, मैंने इनको आज समझा दिया। एक अपना वो है, ये चीज तो डिस्कस मत करो ना, एक बंदे की अपनी भी को रिस्पेक्ट है। ये तो आप गलत बात कर रही हो, मैंने आपको वो ये बोल रही है इधर की बात उधर करिए, वो जो मर्जी करे कपड़े मांगे, ये इस तरह तो मत करो ना। हाँ तो ठीक है, ये तो गलत बात है, मर्जी चलेगी। आप अपने कपड़े उतार दिए उसके, नहीं समझ आई तो फिर मेरी भी मर्जी चलेगी। मुझे भी सब ने दिए, ये इस तरह की गलत फजूल चीप मेंटालिटी है तुम्हारी, ये बहुत चीप मेंटालिटी प्रॉब्लम थी। तो वो भी अगर मांग रही तो साथ मिल बांट के फैमिली की तरह रह रहे तो मिल बांट के करेंगे ना। मुझे नहीं लगा ये तो गलत बात की आपने बहुत। अच्छा सही है। अब क्योंकि आप फाइनल एट है तो इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। दानिया जब तक बोला उसकी क्वीन है जब तक नेक्स्ट चैलेंज नहीं होता, एक घंटे के बाद भी हो सकता है वो, एक दिन के बाद भी हो सकता है। दानिया ने कुछ बोला, इसके साथ किसी ने बदतमीजी की, गाली दी, इसने कहा कि इस बेड पे ये नहीं होगा, उस पे ये नहीं होगा, वो तो 100% बाहर हो गई होगा। जिसने शो से जाना है बहुत आसान तरीका है, दानिया की बात नहीं माने। इस दफा दानिया आप सबसे खाना भी पकवा सकती है, आपको सामान मिलेगा, जो सामान आपको चाहिए जो भी बनाना है वो टीम आपको सामान प्रोवाइड कर देगी, किचन दिखा देगी, आप जिससे पकवाना चाहें पकवाएंगे, जिससे सफाई करवानी है आप बताएंगी। आप क्वीन है, आपका जिम्मा है कि घर साफ नहीं होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कौन घर साफ करेगा, क्या चीज साफ करेगा, अलमारी कौन ठीक करेगा, बाथरूम कौन साफ करेगा, ये आप बताएंगी। आपने इतना प्रेशराइज कर देना है कि खुद शो छोड़ के चले जाए। एक और बात बतानी है, एक ब्रेकिंग न्यूज रह गई। बार बार बात हो रही है 1 करोड़ रुपए की। मैंने कहा था 2 मौके मिलेंगे जी, एक मौका जा चुका है, एक मौका मैं अभी दूंगा आपको। आप सब एक दूसरे को जान पहचान गए, आप सबको पता है एक दूसरे की असलियत। ये 1 करोड़ ले जाने के लिए पावर आपके हाथ में दिया, करना ये आपने किसी एक के हक में। हार मान लो आप 8 लोग हैं, 7 लोगों ने अगर किसी एक का नाम लिख दिया तो ये 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे। अगर डिसीजन यूनानिमस नहीं हुआ तो फिर मेरे हाथ खुल जाएंगे, पावर मेरे पास आ जाएगी। 1 करोड़ जीतने का मौका है आपके पास, क्यू कार्ड दे रहा हूं मैं सबके हाथ में। उस बंदे का नाम लिखना है जो आपको डिजर्विंग लगता है 1 करोड़ का और आप उसके लिए हारना चाहते हैं। अपना नहीं लिख सकते? नहीं, एक का नाम लिखना जरूरी है। लिख लिया, दे दे जी। तो मैंने कहा था कि आप लोग 1 करोड़ जीतने के लिए 2 मौके अवेल कर सकते हैं। एक मेरा बंदा या बंदी है कोई, अगर वो एंड तक पहुंच गया तो 1 करोड़ मेरे, और वो ऐसा बंदा है कि गेम में आपके लिए गेम खराब कर रहा है और आपको पता ही नहीं चलता। दूसरा मौका आज मैंने आपको दिया कि किसी एक के हक में 1 करोड़ रुपए छोड़ दें। जी सर। किसी एक के हक में लिख देना चाहिए था नाम जो सबसे डिजर्विंग हो। नहीं, नहीं, नहीं। लालच में आ गए ना। तो नाम क्या क्या लिखे हैं? कश्यप ने लिखा है रुबाइशा। रुबाइशा को क्यों देने 1 करोड़? क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसमें वो चीज है। तो 1 करोड़ से मिल जाए? मैं कोई नहीं लिख रही थी लेकिन आपने बोला जरूरी है बहुत लिखना, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी, उसके अलावा वो अच्छी भी बहुत है। आमिर ने लिखा है राबेल। क्यों?
सर मुझे डिजर्विंग लगती है, मेरे बाद अगर कोई जीतनी चाहिए इस शो में तो वो। लेकिन अगर 1 करोड़ दोगे तो ये तुमसे पहले हुई ना। 1 करोड़ तो नहीं दूंगा, आपने पूछा है तभी दे रहा हूं। पूछा क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ मौका 1 करोड़ जीतने का। जी सर, अब खुद का नाम नहीं लिख सकते ना सर। अबिया ने लिखा है याया का, क्यों? मुझे लगता है कि वो उनको दे देना चाहिए। राबेल ने लिखा है दानिया, क्यों? क्योंकि वो ग्रीडी नहीं है, वो औरों की तरह मतलब घर में ये नहीं करती कि गेम है, वो थोड़ी पोलाइट है और खानदानी मुझे लगती है, तमीज़ वाली बंदी है। दानिया ने लिखा है राबेल, ठीक है आपने एक दूसरे का नाम लिख दिया, दोस्ती चल रही है। याया ने लिखा है अभिया, आपस में ये भी दोस्ती चल रही है। दोस्ती नहीं है भाई उससे। रुबाइशा ने किसका लिखा है, क्यों? मुझे पता था इसको कोई वोट नहीं देगा। खिलाफ है मेरे। तो आपने इसको वोट क्यों दे दिया? इसको कोई नहीं देगा ना। सभी खिलाफ है ना, सब आपस में लगे हुए हैं। मतलब अगर इनका साथ तो कभी एडजस्ट हो जाता, अगर मैं बीच में से अलग सा नाम दे दूंगी तो तब भी तो करोड़ नहीं मिलना किसी को। तो मैंने बोला आमिर। आमिर सियाल किसी ने लिखा है? मैंने लिखा है सर, आमिर सियाल जी, क्यों? सर मुझे लगता है कि इनके अंदर वो स्किल्स है कि मेरे बाद अगर 1 करोड़ रुपये जीतना, क्योंकि ये फनी भी हैं और ये गुस्से में नहीं आते। मतलब गुस्से में नहीं आते, मतलब हर वक्त बोल हाउस के बाहर कौन लड़ रहा था राबेल के साथ? मतलब बोल हाउस के अंदर तो नहीं है, मैंने शो के अंदर मतलब जी, तो लड़ नहीं रहा था ये सर। वो हो सकता है कि अब मतलब है कि मतलब उस लिहाज से इतना गुस्सा नहीं करते जो हिसाब से हम टॉर्चर्स हैं। मैं भी इनका ही लिखना चाहता था, लेकिन राबेल का मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रायोरिटी मेरी, इससे पहले बात हुई थी सर। लेकिन एक बात इनमें अच्छी नहीं आमिर सियाल में, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, कि ये जो है ना हलरगी पे फेंक देते हैं दिल। वो उसने शो के बाद बाहर बड़े चीख चीख के बोला था कि राबेल मेरी बहन है और तुम्हें भी बहन। नहीं, मैं आपके लिहाज से नहीं बोल रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मैं राबेल को टारगेट नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आमिर क्या करता है, आमिर ख्याल में एक बुरी आदत है कि जो इसको मेरे ख्याल से चैंपियन फेंक है। हाँ, दिल फेंक है जी। तुम्हारे पे भी किस किस के पीछे जाते हुए नजर आया, हमें तो नजर आया कैमरे में कि अलमारी के पास जाता था, फिर उसके बाद बाथरूम के पास भी खड़ा हो जाता था। सर मैंने भी एक बात नोट की कि ये जो है ना मारिया के पास आई थिंक ज्यादा थे, लेकिन मारिया ने इसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा, तो क्या क्यों लिफ्ट नहीं कराई होगी? सर आई थिंक ये ना लंबी बहुत करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट बात नहीं करते। मतलब अपनी खानदान की बात बता रहा होगा दिल को, उसको बताने के लिए मतलब अपनी कोई स्किल्स होती है ना। अब जो मैंने इनको मतलब इनको जो मैंने ये चूज़ किया, ये इसी बेसिस पे चूज़ किया क्योंकि ये स्ट्रगलर हैं और ये मेरी तरह फाइट करती हैं, कोई भी काम से पीछे नहीं हटती, और वो जो थी वो गेम में इन्वॉल्व ही नहीं थी, इसीलिए आज बाहर होगी। तो आमिर को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? आमिर को बस यही कि गेम तो अच्छा खेल ले, थोड़ा और सीरियस हो जाए और दिल फेंकना करे, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरती हमको नहीं दिखनी, हमको पैसे देखने और फेम देखना है बस, और अपने अपने घर जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी के लिए सीरियस नहीं है सिवाय कैमरे पे उछल कूद और अपने आप को और जल्दी दिखाने के लिए। आमिर दिल फेंक क्या? सर दिल फेंक तो नहीं हूँ, लेकिन दिल वाला हूँ, मतलब जो भी अच्छी लगती है मुँह पे बोल देता हूँ इन लड़कियों को। ये अभी कौन अच्छी लग रही है आपको? अभी तो सर इनको सबको बहने बनाए, सर बहने बनाया हुआ है मैंने सबको। कश्यप कैसी लगती हैं? कश्यप तो बहन है मेरी छोटी सर। रुबाइशा? रुबाइशा भी बहनों की तरह है सर। राबेल? राबेल भी बहनों की तरह है, दोस्त है, बहन है। अबिया? अबिया भी बहनों की तरह है सर। दानिया? दानिया तो है ही छोटी बहन, पहले ही देने मैंने से बहन बना दिया था। तो मारिया का क्या था? सर वो दिल को लग गई थी उसकी बातें, मतलब पहले मैंने उसे देखा। बात करती थी वो तुमसे? जी सर करती थी सर। क्या? सर पहले मैंने जब उसे देखा तो मुझे वो एटीट्यूड में लगी, मतलब लगा कि मतलब ये कुछ दिखा रही है मैं कुछ हूँ, लेकिन जब मैंने उसे खुद बुला के उसने मुझसे बात की पहली बार कल शायद या परसों, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो अपनी नेचर में, उसने सब कुछ बताया कि मैं क्यों ऐसे रहती हूँ। उसके बाद जहाँ जहाँ वो जा रही थी कपड़े बदलने, जहाँ पे खड़ी होती थी तुम वहाँ पहुँच रहे थे? नहीं नहीं सर वो अच्छी लगती थी। हम वो फुटेज दिखाते हैं बार बार कि तुम वहाँ से उठते थे देखते थे वो कहाँ है, बाल बना रही है, बाहर जाके खड़े हो जाते थे, अलमारी में से कुछ निकाल रहे हो, अंदर था ही नहीं कुछ। सर मैं तो मौका ढूंढता था उसे बात करने का, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, तो आपने आधा टाइम तो वहाँ लगाया है। जी सर, लेकिन मैं हुआ क्यों नहीं फिर? मैं नहीं चाहता था उसे मतलब बुरा फील हो, मैं उसे बुरा फील नहीं कराना चाहता था कि एक लड़की मुझसे डिस्टेंस मतलब वो आपको भाई समझती या नहीं? नहीं वो दोस्त है मेरी, वो दोस्त समझ हो गई दोस्ती। हाँ सर दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो अभी तक मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थी लाइक वाले हिसाब से, तो मैंने कहा एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है सर। एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है सर।
तो यानी अगर मैं ये कहूँ कि आप इनमें से किसी को चैलेंज करें, उसको हरा दें, वो चला जाए और मारी आ जाए, तो कर लेंगे? हाँ सर, कर लूँगा। कोई भी चैलेंज? हाँ सर। अब इतनी मोहब्बत है तो आपके लिए कर लूँगा सर मैं। या हमाद को बुला लें? नहीं सर, मारिया को। हाँ? मारिया को। किसको चैलेंज करेंगे? यया को सर। बच्ची के लिए मेरे को चैलेंज कर रहा है? भाई भाई बोल के भाई लड़की के लिए भाई को भूल गया। मैं ठहरा कर सड़क कहीं भी चली आती है, मैं ठहरा कर सड़क कहीं भी चली आती है, हमेशा उसको क्यों चैलेंज करते? नहीं, लड़कों में वही है ना, वो तो मेरा दोस्त है बिलाल। आपको लड़कियों में से किसी को चैलेंज करना है, लड़की जाएगी तो लड़की आएगी। अच्छा सर, लड़कियों में सर हराना पड़ेगा मुझे घर। हाँ, मुझे, हाँ, मुझे वो नहीं आनी चाहिए। चैलेंज कुछ भी हो सकता है। तुम काम करती हो घर? हाँ सर, कुछ भी ये काम करती है सर, तो नहीं निकाल सकता ना सर, ये खाना बनाएगी ना घर संभालती है, मतलब हर चीज है। मजा आ रहा है आपका ये? जी सर, मतलब मजा आ रहा है, कमी कमीन है। जी सर। अच्छा, काम करते हैं जमींदार और ये तुम्हारे लिए काम करती है? जी सर, ये कर रही है अभी तो, मतलब सही अच्छी तुम है। वडेरे हो और ये तुम्हारे लिए काम करती है? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं कर रही, पूरे घर के लिए कर रही, मतलब अच्छा है, संभाल रही है। कितने मजे से तुमने बोला कि इसको नहीं निकालो, ये काम करती है, मतलब काम संभालती है सर, और किसी लड़की में ये नहीं है इतनी, मतलब ये घर वाली नहीं है, लड़की घर वाली नहीं है। सुनो खानदान नहीं कहा मैंने, घरेलू का वो नहीं है, जो बीवी टाइप होती है या जो बड़ी होती है ना घर की, जैसे माँ संभालती है, बेटियाँ तो होती है मतलब बिगड़ी हुई, ये माँ टाइप बेटा था, ये तो मतलब बेटियाँ है ना उनकी, ये यानी अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होगी तो फिर आप इनमें से किसी एक लड़की को हराएंगे और फिर आप किसी एक को ला सकते हैं। जी सर, मारिया को। वो आगे मूवी में लगाएगी यार, उसको नहीं बुलाओ मैं काम। और उसने आकर अगर बोला कि मुझे तो हमाद ज्यादा बेहतर लगता है? नहीं सर, वो हमाद को कुछ और समझती थी, इसलिए उसने उसे पार्टनर बनाया, मैंने उसे कन्विंस किया था रात को। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है सर, मुझे किसी और ने भी बताया कि हाँ वो उसे कुछ और समझती है, इसलिए उसने। चलें जी, फिर एक छोटा चैलेंज हो ही जाए, किसको चैलेंज करना है? लड़कियों में सर। जी, वो लड़की चली जाएगी, लड़की की मर्जी एक्सेप्ट करे या ना करे। अच्छा, लड़की की मर्जी है सर? सर मेरा तो बिल्कुल भी तरफ देखना भी मत, नहीं है मेरी तरफ तो देखना भी मत। तीनों में से सर अभिया को। सर अभी आपने इनका चैलेंज एक्सेप्ट करना है? नहीं, मैं तो नहीं करूंगी इनके साथ, कोई भी ना करे, मनाना पड़ेगा सर ये। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम दिखाओ कितनी डेयरिंग हो। नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं, कौन सी आपने गलत बात की, मुझे आपके साथ चैलेंज ही नहीं करना। आपकी आंखें एक्चुअली, आपकी भी आंखें खराब है। कौन सी? मुझे बोला मैं मान जाऊंगी। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो यार, लेकिन आप मेरे दोस्त नहीं है, आपने इस चीज को आज प्रूव कर दिया। क्यों से दोस्त नहीं है? सुन, हमने तुझे खाने देते हैं घर में, तो आप कहते हैं अभी है, जो हुकुम करे वो काम होगा, जो हुकुम दे वो काम होगा। नहीं, जो हुकुम दे, नहीं जो हुकुम दे, सारी दोस्ती बस सारे हुकुम तो मुझसे पूछते हैं, लेकिन वो हुकुम आप मानते नहीं, तो बस तो मुझे आपका तो कोई चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना। अच्छा दानिया, आपने आपको टॉम बॉय समझ दिया सर, ये समझ दिया मुझे हरा देगी, इसे करूंगा सर, ये समझ दिया मैं कुछ भी कर लूंगी इसे, दानिया को हरा दोगी ना, करो एक्सेप्ट, जा भाई जा, चैलेंज एक्सेप्ट करना, तू हरा देगी ना, बोलती है। एक काम करो, सुबह को उसके पास चला जाएगा। यार एक दिन गिर के तो मैं सुकून नहीं मिला, क्या चाहते हो? अभी अभी कर लो ना, अभी देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा हो तो जो डिजर्विंग है, और उसकी जो बात मत करो, नहीं नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात नहीं है। मेरी मेरी जगह कोई डिजर्विंग बंदा आ रहा होता ना, तो मैं तुमसे चैलेंज करती। कर लो ना, तुम डेयरिंग हो। आई डोंट लाइक हर, तुम डेयरिंग हो, उसके मत करो, तो वो होगी ही नहीं जब तुम जाओगी, तो वो आ जाएगी, तुम चली जाओगी। तो मैं किसी ऐसे बंदे के लिए क्यों जाऊं जो डिजर्विंग ही नहीं है? तो तुम हारोगी, तुम्हें पता है मैं डिजर्विंग हूं, तभी हारोगी, तुम्हें पता है मैं डिजर्विंग हूं, तभी क्वीन हूं। तुम्हें लग रहा है तुम हारोगी? मैं डिजर्विंग हूं तभी, तुम्हें लग रहा है तुम हारोगी? अबे यार लग रहा है ना तुम हारोगी, सच बताओ, बस ये बता दो। हां लग रहा है, जाओ। अच्छा कश्यप, तुम इसको भी निकालो, ये नहीं कर रही लड़कियां, इसको भेज दे। आपके पास मौका है, जब आप घर में जाएंगे ना, कन्विंस कर लें किसी को, अगर कोई मान गई लड़की, कभी नहीं भाई, या आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, इंसान की कन्विंसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में, वही लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वही लोग आगे जाते हैं, वही लोग फेम पाते हैं,
जो कन्विंसिंग पावर रखते हैं। बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं हमें यार मैं तो इसको इतना अच्छा नहीं समझता, इसकी बात कैसे मैंने मान ली, होता है ना, हिप्नोसिस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो वही चैंपियन मेरी नज़र में है जो दूसरे को कन्विंस कर सकता हूँ मुश्किल से मुश्किल हालात में। आपने किसी भी लड़की को कन्विंस करना है कि आपकी मोहब्बत सच्ची है, मारिया को आने दें बगैर चैलेंज के, अगर हो सकता है ये जाना चाहे इनको भगा दो। सही है, मोहब्बत करने वालों को हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ। हमारे भी दोस्त गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी सच्ची मोहब्बत करें तो इनमें से आपने किसी को कन्विंस करना है कि ये जाने दें और उसको आने दें। अब दानिया ये बात आपने याद रखनी है, आपने इनसे इतने काम करवाने कि इनमें से कोई खुद बेइज्जत होकर चला जाए, आपको ये मना नहीं कर सकते। ठीक, जूते साफ करवाओ, घर साफ करवाओ, इतनी तकलीफ देनी है कि ये बोले तुम्हें गाली अगर किसी ने दे दी, तुमसे अगर किसी ने बदतमीजी कर दी मजाक में भी, तो वो बाहर होगा। तो एलिमिनेशन से आप इजीली प्रिंसेस बनके इनकी ऐसी तैसी फेर सकती हैं। तो जिसको भी आपने निकालना होगा उसका एक वैलिड रीजन होगा कि मैंने से ये काम बोला इसने नहीं किया। ठीक, आमिर को आपने बोला बाथरूम साफ करो इसने नहीं किया, आप निकाल सकती हैं। पोछा धोने जाती हूँ मुझे उल्टी आ जाती है। मैंने तो नहीं मचाया, कमोड खोले, कमोड के ऊपर जूता का निशान कौन रखे बैठा है? मैंने बोला मेरे साथ दो तीन लड़के चलो मैं तुम लोगों को धोना सिखा दूं। नहीं, ये तो बिल्कुल इधर उधर निकल जाता है। कमोड के ऊपर बैठ के पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, ऊपर से बल्ब। मैं तो लास्ट वाली में जाता हूं सर, उसके लिए बस, मैं दूसरे में जाता, बाकी जाता ही नहीं, वॉशरूम भी नहीं जाता इसको कुछ, दूसरे दोनों में जाता ही नहीं, वहां पे होते हैं निशान। तो ये कौन ऊपर कौन बैठता है इस तरह? पता नहीं कौन बैठता है, यार चला गया उनमें से कोई बैठता होगा, अभी तो नहीं हो रहे, पहले थे निशान, अब नहीं है, पहले थे अभी नहीं है, वो निकल गया शायद। कौन होगा ऐसा जो कमोड पे इस तरह बैठता है? सर शायद जीशान होगा, क्योंकि उसका हाथ में कब्ज हो गया था, उसे कब्ज हो गया है। तो कब से क्या होता है इस तरह बैठने से? सर इस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब डॉक्टर बोलते हैं इस तरह से अच्छा है, मतलब बैठना जिस तरह से वो देसी कमोड होती है ना उस पे बैठना मतलब अच्छा होता है। क्या होगा उससे? प्रेशर आ जाता है ऊपर, मतलब सही बोल रहा हूँ, प्रेशर सही से आता है मतलब। तो ये क्यों हंस रहे हैं फिर बाकी? ये पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, तो साइंस बता रहे हैं, डॉक्टर में चले जाएंगे यही बताएंगे। लेकिन नहीं बैठ, इसमें हंसने की बात नहीं है सर, असल बात तो आपने पूछी नहीं मैंने ये क्यों करवाया था। सर वो जनरल नॉलेज आपने पूछी नहीं। 1 करोड़ की बात हो रही थी और आपने हंसी हंसी में 1 करोड़ का चांस ही खो दिया। अभी कितने मिलेंगे सर? 1 रुपया। 1 करोड़ के लिए अब होगा ये, मैं आपकी जगह होता तो मैं आपस में बांट लेता कि तेरा नाम लिखेंगे बाहर जाके दे दे। आपने बात करने से मना कर दिया था। थोड़ा टाइम देते तो। बात अभी करने से नहीं, इतने अरसे से आप बोल हाउस में है ना, तो इतनी तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, सब की नजरें बदल जाएंगे, पैसे मतलब 10 सब की नजरें बदल जाएंगी, मेरे पास आएगा मैं तो 1 रुपया नहीं। तो आपने 1 करोड़ का चांस खो दिया, जो जो पैसे के लिए आया है अब वो ये सुन ले, 1 सेकंड इक्वल है 1 रुपए के। कितने? 1 रुपया। जब यहाँ से आप उठेंगे तो 1 रुपया पर सेकंड कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब जब डेयर होगा तब तब ये काउंटर रुक जाएगा, और जब तक फाइनल डेयर होता है कितने पैसे बचते हैं या फिर माइनस में हो जाते हैं आप देके जाएंगे। देने वाला सीन सही नहीं है, है नहीं, है नहीं, कहाँ से देंगे। तो जो जो 1 करोड़ के लिए आया है हो सकता है 50 लाख 60 लाख तक लेके जाए, तो जिसको लग रहा है 1 करोड़ तो अब वो गेम। आप लोगों के साथ होता पता क्या है, इतने मजाक मजाक में आपको हम ले आते हैं, इतने मजाक में आप आ जाते हैं कि आपको असल गेम ही नहीं पता चलती। आपको जब बोला 1 करोड़ का आखिरी चांस है, दूसरा मौका है, तो क्यों नहीं आपने अवेल किया? इतनी अकल क्यों नहीं लड़ाई के, दे दो किसी एक के हक में, बाद में ले लेते उससे, डिवाइड कर लेते। हम दोनों तो लड़ा ली थी सर, इसीलिए मैंने आमिर का नाम लिया था, क्योंकि आमिर को जो ना वो जो ना इसकी लालच नहीं, वो पहले से अमीर है, तो इस वजह से मैंने आमिर का। बाकी गरीब है, मतलब आमिर की जो फाइनेंशियल है ना वो बोलते भी हैं कि मेरा भाई अमीर है और मुझे पैसे बोलते हैं। देखा तूने अमीर है? मतलब इन्होंने बोला कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है पैसों का, रखिए इस वजह से मैंने अमीर का नाम ले लिखा था। तुम बाद में समझते हो अगर इसको देते दे देता तुम्हें? वो तो अपना डीजल बेचने के लिए बैठा हुआ है, तुम्हें देता वो डीजल? देता कन्फर्म नहीं है लेकिन सर कोशिश करते। तो इससे कैसे लेते फिर तुम? तो आप लोगों को ना सर मैं पता नहीं चलता, जब पैसों की बात आती है ना आप लोग ऐसे बस हवा में बात करके निकल जाते हैं। एक और भी मौका आएगा बीच में, उसके लिए तैयार रहना। उस वक्त जितने भी पैसे होंगे आज से गिनना शुरू कर दो, इस टाइम से लेकर। कितने पैसे कट रहे हैं? 1 रुपया। जब हम घर में गए और मैंने काम सबको देना स्टार्ट किया, तो
दिल में वो एक एहसास होता है ना, वो आ गया कि नहीं यार किसी पे ज़्यादा काम, किसी को ज़्यादा काम नहीं देना यार, नहीं यार। तो मैंने सबको नॉर्मली इक्वली काम बांट दिया कि इक्वली सब काम करेंगे, और मैं खुद भी लगी हुई थी, कभी किचन साफ़ कर रही हूँ, कभी बर्तन धो रही हूँ, कभी खाना बना रही हूँ, कोई होने के बावजूद भी मैं कामों में लगी हुई थी। जब राबेल को मैंने कोई काम नहीं दिया, जब सुबह उठे राबेल को मैंने सिर्फ ये कहा कि झाड़ू मार दो बाहर का, तो उसको दोस्ती याद आ गई कि भाई मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे काम दे रही हो, ये वो। तो मेरी जान, अगर तुम मेरी दोस्त हो तो वो ठीक है, दोस्ती अपनी, लेकिन गेम भी तो है ना। वो समझ भी नहीं आता राबेल मैडम को कि गेम भी एक चीज़ है। उनको सिर्फ एक झाड़ू मारने का मैंने बोल दिया तो उनकी तो आग लग गई कि क्यों बोल दिया मुझे। रुबैशा, तुम कश्यप को लेके जाना चाह रही हो ना? हाँ। जाओ तुम लोग तैयार हो जाओ फिर। हाँ, मैं सबसे पूछ रही हूँ कौन कैसा अंडा खाता है ना। मैं पराठा खाऊंगी चार के साथ। रुबैशा तुम तैयार हो गई? राबेल हाँ। उठ जाओ यार। यार उठी नहीं, बस उठी उठी भी नहीं हूँ यार, जाके मुँह हाथ धो लो। ये लोग ना एक भी अगर लेटा होगा ना सबको मना कर देंगे नाश्ते के लिए। हाँ यार जो जल्दी करो, पक्की कच्ची कच्ची। आमिर कैसी सर्दी, अंडा कैसा खाते हो? अंडा ऑमलेट में खाता हूँ। कौन सा वाला ऑमलेट? पूरा। प्याज टमाटर? पहले प्याज टमाटर ना हो उसमें, सिर्फ नमक काली मिर्च। हाँ सही है। तुम कोई सा भी हो ऑमलेट में बना लेते हो? तुम दोनों का ऑमलेट हो गया, हमारे हाफ फ्राइड हो गए। हाफ फ्राइड में तुम काली मिर्ची वाला बनाओगी या लाल मिर्च वाला? जो बोलोगी डाल दूंगी, यहाँ ले आऊंगी, खुद डाल लेना। सही है ना? चलो आवे, उठो अपने बेड से, उठो उठो। उठ रहा हूँ, नहीं उठ जाओ, बेड से उठो, जाके मुँह दो, माइक लगाओ, माइक लगाओ, उठो। काम भी कर रहा था मैं आपके साथ, तो मैं सही हूँ, मतलब आपके साथ कोई बात हुई भी नहीं मेरी, बाकी आपको जो बेहतर लगे। उठ जाओ आमिर, तुम मुझे गुस्सा आ रहा है यार, वो लोग एक ही वजह से ना सबको नाश्ता नहीं देंगे और नहाने नहीं देंगे। मुझे लग जाए नाश्ता करना है यार, भूख लगी हुई। जाके मुंह हाथ धो ले, जब तक ये लोग नाश्ता बना के आए, जब तक बेड से सेट करो। तुमने सारी रात में यही डायलॉग याद किया क्या? अबे यार सच भाई, भाई भाई ये जानिए ना, इतनी कोई मैं कोई बात करता नहीं लंबी छोड़ी, जो पॉइंट की बात है वही करता हूँ। मैंने कन्विंस कर तो दिया कि मैं आपके साथ सही हूँ, रात के दो तीन बजे याद आ गया कॉफ़ी, ये रात को कॉफ़ी पी रहे थे, मैंने कॉफ़ी भी पी। कॉफ़ी तो नहीं बना रही अभी वो, मैं बना देती हूँ कॉफ़ी अभी। हाँ रात को पता क्या वो कॉफ़ी का दिन, हम सुनो तो हम मैं बाहर काम कर रही थी तो ये बाहर आई, क्या नाम है इसका, रुबैशा। मैंने कहा मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, आटा गूंद दी थी, मैंने कहा मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। कह रही नहीं यार, मुझे ना अभी है ना बहुत तुझसे बोला है कि वो कॉफ़ी बनाएगी तो वो बनाएगी ना, कॉफ़ी अच्छी बनाती है। मैंने कहा ठीक है, वो कॉफ़ी बनाने लग गए अभी। अभी बीट उसने की, झागी नहीं बनी, मतलब बीट में हल्का सा क्रीमी वो ही नहीं आया। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं रहा, मैं गई मैंने बीट की सही पर, एक दफ़ा जो हो गया था पानी इतना डाल दिया था कॉफ़ी में बीट करते वक्त के, वो पानी पानी हुई हुई थी। तो फिर वो कहती रुबैशा कहती अब जैसी है अब बना लेते हैं। फिर अभी ने अभी कहती यार एक बात बताओ, हमने कहा कि वो ना मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आती। फिर जो रुबैशा मेरा मीटर चार्ट है, रुबैशा कहती है जो चीज़ नहीं आती ना वो नहीं बोलते कि आती है, क्योंकि हम कॉफ़ी सब अब हम पीते हैं लेकिन अब नहीं आती तो तुमने क्यों बोला मैं बनाऊँगी, मैं दाइने को मना करके कि नहीं। बेखैर वो उसने कॉफ़ी जब बनाई ना, एक सिपली मैंने थूक दी मैंने, और वैसे ने एक सिपली और थूक दी, इतनी कड़वी और जहर कॉफ़ी होती है ना, जहर कॉफ़ी वो थी। वो उस कॉफ़ी का कलर ही ब्लैक था प्रॉपर, पूरा दूध के साथ भी इतनी ज़्यादा वो बकवास कॉफ़ी थी। हाँ हालांकि कॉफ़ी जो ना थोड़ी सी वो हो चुकी थी, कड़वी हो चुकी थी। अब तू अपने अंदाज से बात कर ले। लेकिन ये सारे इसके साथ इतने अच्छे चल रहे हैं, मुश्किल होगा दो को एलिमिनेट करना है, किसको करेगी? मुझे और एक और दूसरे जाने ही पता मुझे हैं, दूसरे जाने ही पता मुझे करेगी, मैंने काम ही कर। अब हमें बुलाया गया डियर की लोकेशन पे,
वहाँ पहुँचते साथ मैंने देखा इतनी बड़ी जकूजी और हम सब एक दूसरे के तक रहे हैं कि यार अब पता नहीं क्या होने वाला है। चैंपियंस कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। दानिया को पावर मिली थी, आपने उस पावर का इस्तेमाल सही तरह नहीं किया। आपको कुछ ऐसा करना था, इतना जलील कर देना था कि ये छोड़ के चले जाते कि हम नहीं कर रहे। मुझसे आमिर ने लड़ाई की थी और उन्होंने कहा था मेरा नाम आप बेशक वकार भाई को दे दीजिएगा। नहीं सर, गलत बात कर रही है। इसने सिर्फ उठने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि मैंने जितने काम 24 घंटों में करने थे तुम्हारे उतने मैंने अपनी लाइफ में नहीं किए, लेकिन मैंने कर दिए। अब 24 घंटे हो गए, तुम्हारी पावर खत्म हो गई, उसके बाद मैं नहीं करूंगा जी। इन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग है कहा था मेरा नाम वकार भाई को दे देना, मैं नहीं उठ रहा। 24 घंटे हो गए थे सर, पूरा टाइम हो गया था। मैंने कहा अब 24 घंटे हो गए, इसके बाद मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, ये मैंने बोला है। भले कैमरा में आप चेक कर ले, मैंने लेकिन बहुत काम किए हैं, जितने किसी ने नहीं किया उतने मैंने किए हैं सर। सबने ही किया था काम, सबने काम किया होंगे सबने, लेकिन मैंने किए हैं। इसका हर हुक्म माना है सर, मैंने हर हुक्म माना है। मुझे नींद से उठा के बोल रही है झाड़ू लगा दो, मैंने झाड़ू लगा दिया नींद से उठा करके। अभी सोने का टाइम नहीं है, उठ जाओ। उठ गया मैं, झाड़ू लगा दिया मैंने, उसके बाद 24 घंटे हो गए थे, उसके बाद मैं सो रहा था तो बोल रही है सोना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर सोना नहीं है 24 घंटे हो गए, अब तुम भले मेरा नाम ले लेना। हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, हल्का फुल्का अगर हुआ हो कोई तंग तो है। आप तो दोस्ती करके घूम रही थी बस, तो जाया की पावर आपने। आपको कुछ ऐसा करना था कि सर ये फेवरेटिज्म दे रही थी दूसरी, मतलब कुछ फेवरेटिज्म भी दे रही थी। तो फेवरेटिज्म नहीं जिंदगी में होता, होता है ना? होता है, लेकिन कुछ बंदों से कुछ ज्यादा काम करा रही थी, कुछ बंदों से। ये जज थोड़ी है, जज तो मैं हूं ना। मैं फेवरेटिज्म करूं तो गलत होगा? ये तो कर सकती है, तुम लोग भी कर सकते हो। कोई किसी से दोस्ती करे कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई किसी को पसंद आता है, कोई किसी को नहीं पसंद आता। ये किसने कहा ये फेवरेटिज्म नहीं कर सकती है, तुम नहीं कर सकते? दोस्ती दुश्मनी एक दूसरे की समझने का गेम है सारा। किसी को और कुछ कह रहे आज का डेयर? जब मैं गो बोलूंगा पानी में जाएंगे। ये जो छोटे सिक्के हैं 5 रुपए वाले, ये ढूंढने हैं, ये वाले नहीं ढूंढने। ये वाले नहीं ढूंढने, सिल्वर कलर है, गोल्डन है, गोल्डन वाले ढूंढने। जैसे ही आपको एक कॉइन सिक्का मिल जाए आपने बोलना है चैंपियन और बाहर आना, यहां खड़े होना है। गेम रुक जाएगा वहां, क्या होगा? गेम रुक जाएगा। उस वक्त किसी के हाथ में सिक्का भी हुआ तो काउंट नहीं होगा, वो सिक्का दोबारा आप मुझे देंगे, मैं दोबारा अंदर फेंकूंगा, दोबारा गेम शुरू होगा। जिसके हाथ में ये सिक्का है वो बताएगा या बताएगी कि किसको इस गेम से वो बाहर करना चाहते हैं। रेड कार्ड समझ लें, रेड कार्ड इसमें रख नहीं सकते थे, आसान हो जाता, मिल जाता, इसलिए हमने कॉइन्स रख दिए। मतलब उठाते के साथ भी चैंपियन बोल रहे हो, जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी हमने चैंपियन बोल रहे जी। आप लोगों ने घूम जाने, उधर मुकर है, पीछे नहीं देखना। गर्मियों में भी ठंडे पानी से नहीं नहाती तो मैं सर्दियों में इस ठंडे पानी में जाऊंगी कैसे? एक तो मेरा कद इतना सा है, ठीक है, अब मैं उसमें गई मैं तो पूल में भी गायब हो जाऊंगी। एक दूसरे को जो धक्का देगा वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भागेगा नहीं, जो भागेगा वो जीत भी जाएगा। तो जैसे कश्यप के साथ हुआ था अंडे में वही होगा। गो। कराची में सर्दियां बहुत है, बहुत ज्यादा, इस बार सर्दियों ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है और हमें डाला गया था पूल में और पूल का पानी काफी ठंडा था। मेरी थर 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 कांप के निकल रही थी। सब रुकेंगे। पूल में जाने से पहले मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे सिक्का मिलेगा तो सबसे पहले मैं किसका निकालूंगी, मैं निकालूंगी जी। दानिया ऊंची आवाज में बताना है, सोच समझ कर पहले देख लो फिर नाम लेना है। आमिर। दानिया ने पहली फुर्सत में मुझे निकाल दिया, आपके भाई को गेम से निकाल दिया। ठीक है रुक जाए। एकदम मुझे आवाज आई चैंपियंस, मैंने देखा भाई ये कौन है, मैंने आंखें वहां के मली, मैंने कहा मुझे थोड़ा नजर आए, देखा भाई अपनी बंदी थी कश्यप, मैंने कहा भाई अब तो भाई आम सेव ही सेव। आपने बताना है कि आप किसको निकालना चाहती है, सोचे एक दफा दोबारा देखे फिर बताए। जब बारी आई कश्यप की तो मुझे लगा कि वो तो मुझे पक्का एलिमिनेट करेगी और ऐसे ही हुआ एग्जैक्टली। रुक जाए, मिल गया कश्यप को, किसको बाहर करना है? रुक जाए भाई, आ जाओ बाहर जी। दानिया सोच समझ के नाम लेना है। कश्यप आ जाए, किसको निकालना है? टॉप 3 में है राबेल, जाया और दानिया। जो जीता उसको बहुत सारी पावर मिलने वाली है।
राबेल हार माननी आपने तो आज तो भाई जकूजी में टुंटा और हमारी दानिया मैम टॉम बॉय ना आई थिंक टॉम बॉय बोलते हैं तो वो मिल गए। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको टुंटा क्यों बोल रहा हूँ, आप सिंपथी वोट दोगे। भाई वो टुंटा तो है लेकिन वो चालाक भी बड़ा है भाई। दानिया उसकी शर्ट पकड़ के अंदर डाइविंग मार रही है और हाथों से निकाल लिए सिक्के और एक दूसरे को वो बाहर कर रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ा गलत सीन है। यहाँ से नजर आ रहे हैं यार राबेल, तुम यार सेंटर में आओगी तो मिलेगा कुछ। यहाँ आओगे सेंटर में सब कुछ इतना टाइम लगा रहे हैं सारे। छोड़ो जाइया, ठीक है दानिया को मिल गया, आ जाओ दानिया। और जब सिर्फ हम तीन रह गए थे याया मैं और राबेल, और जब मुझे सिक्का मिला और मुझे वकार भाई ने पूछा कि अब आप किसको निकालेंगी, तो वहाँ मेरे लिए डिसीजन कुछ मुश्किल था क्योंकि राबेल मेरी बहुत अच्छी दोस्त और याया भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त और याया ने बहुत हेल्प भी की थी मुझे इस टास्क में। तो मैंने राबेल का नाम लिया क्योंकि राबेल से इतने वक्त में कुछ हुआ नहीं, एक सेकंड के लिए वो बंदी पानी के अंदर रह नहीं सकती, उससे एक सिक्का निकला नहीं और याया ने मेरी हेल्प की थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि जिस बंदे ने मेरी हेल्प की है उसी के पीठ पीछे मैं छुरा घूम दूं, तो मैंने राबेल को निकाल दिया। वहीं खड़े खड़े बताओ किसको निकालना है। राबेल। और उसके बाद मुकाबला था मेरे और याया के बीच में। मैंने सोच लिया था अगर याया जीतेगा भी तो मुझे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं इन सब में से यहाँ टॉप टू तक भी पहुँच गई थी और मैंने अपनी जो जितनी भी मेरी स्किल्स थी वो मैं दिखा चुकी थी। गो! ठीक है याया को मिल गया है। याया आपने दानिया के साथ क्यों टीम बनाई हुई थी। भाई वो सिक्के उठाने में ना मसला आ रहा था तो दानिया स्विमिंग अच्छी करती है, बातचीत भी मेरी अच्छी है, फ्रेंड है मेरी, तो मैंने बोला टीम अप करके खेलते हैं। दो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप चाहते हैं अभी इसी वक्त यहां से चले जाए। राबेल अब नहीं बोलना। ओके सॉरी। भाई आमिर अभी। हाँ उसने मेरा नाम लिया, आमिर सियाल का नाम लिया एलिमिनेशन के लिए, तो मैंने सोचा भाई अब बोरिया बिस्तर बांध और घर निकल। जी आमिर ये क्या हुआ। बस मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा, ये अपनी हिसाब से बड़ी गेम खेल रहा है, कुछ आता नहीं है ऐसे अपने हिसाब से, पूछता भी गेम के हिसाब से, हर चीज करता भी गेम के हिसाब से, दिमाग इसी के पास है, सब कुछ बना रहा है, सबसे बोल रहा है मैं आप कौन बनाता है स्टार्ट में आगे मुझे बोल रहा है भाई अपना झगड़ा नहीं है तू मुझे मत निकालियो, पहले ही बोल। आपकी लड़ाई क्या हुई थी भाई। वो काम ये बोल रहा था कि याया के साथ पार्शियलिटी कर रही है दानिया, साथ दे रही है, उसे काम नहीं करवा ली। हालांकि जिस दिन दानिया को क्वीन बनी थी उस दिन वाशरूम ये एक वाशरूम साफ करके चला गया था, बाकी बाहर का पूरा एरिया और दो वाशरूम मैंने और बिलाल ने धोए थे, ये ना कुछ काम करता। मैंने बर्तन धोए, मैंने पोछा लगाया, मैंने। ये आपको क्यों निकाल रहा है। ये इसलिए निकाल रहा है ऐसे, मतलब पता है मैं प्लेयर अच्छा हूँ, इसे मतलब निकाल सकता हूँ कभी भी, तभी ये निकाल रहा है सर। जब तुम मेरे को निकाल सकते हो तो मेरे से ऐसी उम्मीद नहीं रखो ना। निकालूंगा सीधी सी बात है। तुम इससे क्यों लड़ रहे थे। मैं इसलिए लड़ा कि मेरी बात हो रही थी इससे, क्या नाम है, दानिया से बात हो रही थी, हम लोग राबेल और मैं काम कर रहे थे, तो मतलब हम लोग बोल रहे थे तुम इतना काम हमें क्यों दे रही हो, तो इसी पे ये बीच में बोला। इसके बीच में बोलने की इतनी गंदी आदत है, मतलब बोल रहा है तू क्या कर, अबे इतना काम किया तू क्या कर रहा है, कैमरा तो देख रहे हैं ना, तू क्यों बीच में बोल रहा है और गंदे तरीके से बोल रहा है। मैंने राबेल मेरी दोस्त है, राबेल क्या हुआ।
तो राबेल ये बोला तू बड़ों के बीच में नहीं बोला कर। मैंने इसको बोला दानिया के साथ हमारा चल रहा है फड्डा, तू क्यों बोल रहा है उसके बीच में? मैंने राबेल से पूछा, बीच में बोला तू बड़ों के बीच में नहीं बोल। मैंने अगर मैं शो में आया हूँ, शो की बात है तो मैं भी करूंगा। अगर तुम्हें शो में ऐसा लग रहा है, मैंने तुम्हें यूं बोला, मैंने राबेल को बोला, तुमने बोला तू बड़ों के बीच में नहीं बात करा कर, ये बोला ना। फिर मैंने बोला यार मैं शो में आया हूँ, आप भी शो में आए हो, जो शो की बात होगी उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। मैं बड़ा छोटा हूँ तो क्या हो गया, तो शो में तो मैं भी आया हूँ ना, इस बात से मैंने तुम्हें बोला। तुम बोलो तू ये है वो है, फिर तू बोला मैं गांव में झाड़ू दे दूंगा, तूने ये बात बोली, ये कैमरे में देख लो, इस वजह से तेरे को निकाला हूँ, जा करो। मैंने तुझे ये बोला कि बेटा तू मेरे काम पे मत जा, तू बोल रहा था तूने काम क्या किया है, तूने काम क्या किया है, तो कैमरा में देख मैंने क्या क्या काम किया है, जो बोला है मैंने वो किया है, 24 घंटों में मैंने नींद उठा के बोल रही है। तू मत बोल, तुझे फेवरेटिज्म दे रही थी, ये सबको पता है जो बोले। अभी आप मुझे और राबेल और बिलाल जैसे इतना काम करा है जितना नहीं कराया है, कैमरा में आप देख फेवरेटिज्म इतना कर रही है, अभी खराब थी उसे सोने नहीं दे रहा। अच्छा एक मिनट जी बिलाल क्या कह रहे हो? सर मैं कहना चाहूंगा कि आमिर भले मेरा दोस्त है लेकिन इसने जो एक बात बोली थी ना कि ये कमजोर है, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने इसको फिर भी समझाया लेकिन इसने बोला कि कमजोर है, तो आई थिंक कमजोर नहीं है, ठीक है ना, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, तो आमिर भाई आपको सर बोलना नहीं चाहिए थे। आई थिंक वो बात नहीं है कमजोर वाली, बात करने का देखा है ना, अब तू बच गया है तो बोल रहा है नहीं। एक एक करके बात करें, मछली मार्केट नहीं बनाए जी कशफ। हुआ ये था जब एंड में ये लोग बाहर जा रहे थे तो राबेल ने आमिर को बोला भाई तू अपने जाते थे लड़कर इतने कमजोर से क्यों लड़ रहा है तू, तो सही बोला देख है और उसको देख वो कितना कमजोर है। मैंने मतलब ये बात, वो कमजोर किस वे में है आप ये देख सकते हैं कि उसने कैसे बोला। और हम लोगों को ये बात बहुत लगी थी कि जो है याया जो है हर टास्क में आगे होता है और वो हार बिल्कुल नहीं मानता है, और फिर भी राबेल ने ये बात बोली कि याया बहुत कम। मैं इसके कपड़े भी सही करके देती हूँ, इसके सारे काम करती हूँ, नजर आते हैं ना, तो मैंने एहसास के उसमें इसको बोला था कि यार मत करो उसकी हालत देखो ये बात। ठीक है एक मिनट याया अबिया को क्यों निकाल रहे भाई? अबिया का इतना तुम्हारे अंदर बड़ा शो में, वो पहले मायरा के साथ बोलती रहती है, इसका भी ये जो बोले वो सही है, हम बोले तो फजूल, इससे सब डरते क्योंकि ये बेइज्जती करती है, गालियाँ देती है, डरते हैं आप, गालियाँ नहीं देते, अपनी इज्जत से डरते हैं कि कैमरे के सामने यार ये पागल तो नहीं है, गालियाँ देती है और ये समझती है कि ये बोल्ड है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती है और ये गालियाँ देती है और हम बहुत छोटे करते हैं। उसको जवाब दो, मुझे नहीं दो, उसको बताओ क्या बोलो। ऐसा लग रहा था तो इसने उस वक्त मेरी मम्मा और मेरे बीच में क्यों हमारा साथ दिया, इसने बीच में क्यों क्योंकि उस टाइम मुझे मजा नहीं था कि आप आके पूरी नंगी हो जाएंगी। अच्छा तुमने मुझे नंगा देख लिया तो जी हरकतें अपनी देखी है, इसने पहले तो बड़ी मां मामा के सामने शरीफ बनी थी, यहाँ के पता लगा जैसे मेरी माँ तो मुझे यहाँ देखेगी ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि तुम समझते हो छोटी सोच के, मेरे माँ बाप छोटी सोच के कि वो मुझे लड़कों के साथ भी बैठने नहीं देते, और यहाँ गुस्सी भी तो सबके साथ होती है, तो फिर क्यों बोल रही हो अब? तो वही बोल रही हूँ ना, तू अपनी औकात में रहे, मोटी साठ में हूँ कट्टे आराम से रहे, चल तू आराम से रहे, तो उससे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, तुम्हें उसने कुछ बोला मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, मैं सोना मत खोजो मल्ली बोले तुम दोनों ही थी ना, तुम भी सिखा रही थी और ये भी बता रही थी, गालियाँ कल में पड़ी थी, बाकी सब गालियाँ दे रहे थे, इसने हमसे गालियाँ सीख ली भाई, इसने सीख ली गालियाँ कट्टे, हाँ हूँ नजर आ रहा सब, हाँ हूँ नजर आ रहा सब, डर जाएंगे सब, सजी लग रही है जल्दी करो, मुझे कोई परवाह नहीं है यार, बाद में लड़ लेना, सजी लग रही है अभी, सब मेरी हंसी से डरेंगे तो तेरी गालियों से डरेंगे। मैं इसके मुंह पर चमाटे कराऊंगी, करा तू मेरे मुंह पर चमाटे। जी अभिया को क्यों निकाल रहे हैं आप भाई? अभिया शो में ना किसी बात करती है ना किसी बैठती है,
वो पहले किसी और टीम के साथ मारिया लोग थी उनके साथ। आपको कैसे पता कि वो एक टीम थी? आप लोग उनके साथ बैठी थी और मेरा नेचर नहीं है ज्यादा बात करना। जब दो दिन जब दो दिन उसको जा के जब वो आपके बोल के गई कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप आके हम लोग के पास बैठ गए। आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे बोला तो मैं फिर आप लोग के पास आके बैठी हूं? जब भी तो कल परसों बैठी जब दिन हो गई आप उसी दिन मेरे पास आके बैठी हो। मैं सबसे बात करती हूं और मैं सबसे नहीं जिस दिन वो गई थी उसके अगले दिन ही आप मेरे पास आके बैठी हो, आपने बात करी है तो आप कर लेते उससे आके बात करना, आपको मना तो नहीं किया? एक दफा मैंने मजाक में तुमसे करके बात देता, तुम बोलती हो तुम कौन सा लफ्ज होता है यार हंसी मजाक में, दोस्त याद ऐसी करता है। मैंने आपको सीरियसली तो नहीं बोला था और आपसे मैंने कहा था आप आराम से बात करें। कंट्रीब्यूशन नहीं था शो में ना कुछ करते। अच्छा ठीक है तो यानी कि मैं कुछ करती नहीं। अच्छा आपके निकालने का क्राइटेरिया ये है कि ये जिसको आप निकाल रहे हैं वो सही कंटेस्टेंट नहीं है? नहीं सही कंटेस्टेंट तो है भाई, लेकिन अपने उनको भी तो कम करना ना, लड़ाई वगैरह जिनसे उनको निकालूंगा। तो किससे लड़ाई? मैंने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है, मैंने आपको आपको गाली बकी, मैंने क्या करा? नहीं लेकिन आप बात अच्छा रहता, मैं आपके साथ तू तड़ाक से बात करती है, आपके साथ मैं तू तड़ाक से तो आप अब भी कर रही हो तो अच्छा लगता कि मैं आपको इस तरह से? तो भी शुरू से क्या था जब मारिया थी आपके साथ? क्या मतलब आप खुद आके बात कर लेते, जरूरी है कि मैं हर किसी को जाके बात करूं? सर और कुछ भी नहीं, शो में ये आके सिंपैथी गेन कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं, कैमरा में देखेंगे ना लोग बोलेंगे यार ऐसे लोग तो ऐसे होते नहीं है, जिस तरह से इसकी सिलेक्शन होती है ऐसे लोग मतलब हम मारते क्यों किया था? जब किसी को नजर नहीं आया हम मारने आधा घंटा मुझे वाशिंग के बाहर बिठा के रखा, जब किसी लोग कहेंगे बोलेंगे यार इसको सिंपति दे दो, ये तो मतलब मैं तो गलत हूँ, मैं तो गलत बंदा हूँ, मैं तो गलत बात कर रहा हूँ उस बंदे से, यार इस पे रहम आना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये भी देखना चाहिए, मैंने कहा बोला मेरे पे रहम था भाई, बात करने का तरीका क्या है इसका, इसका बैकग्राउंड मतलब दिखाता है ये बात करने में, फैमिली पे मजा हमारा बैकग्राउंड है, हम ऐसे बात करते हैं, इज्जत देता है जो इज्जत देता है ना, वो उसे मैं बता दूंगा। फिर बता देगा मतलब क्या? बाहर की बातें नहीं करना, अभी की करना, अभी क्या बता रहा है? तो अभिया और आमिर एक साथ खड़े हो जाएं, बिलाल इधर आ जाओ। जी अभिया कैसा लगा शो में यहाँ तक आपको? बहुत अच्छा लगा था। जाते हुए बुरा लग रहा है? क्योंकि मैंने अगर तू तड़ाक से बात नहीं की तो इसका कोई मतलब नहीं था कि इन्होंने मुझे ये समझ के निकाल दिया। और रहा सवाल मारिया के साथ बैठने का, तो मारिया और मेरा मिलता जुलता नेचर है, ज़्यादा बात करना उसको पसंद नहीं, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। तू तड़ाक से बात करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं तड़ाक की बात है ही नहीं ना। फिर भी मैंने आपसे बात नहीं की, जब मैं उनसे बात कर रही तो आप बीच में मत बोलो, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। अच्छा भाई अच्छे तो गेम का पता है ना, तभी बोलेगा मैं भी शो में हूँ। मैं फिर भी यहाँ पे सबसे बहुत तमीज़ से बात कर लेती हूँ। अब अगर मेरा नेचर है कि मैं आप जनाब से बात करती हूँ तो मैं नहीं कर सकती ना, मैं इनको टपोरी लैंग्वेज में बोलूँ ओ भाई तू इधर आके बैठ, ओ भाई तू उधर जाके बैठ, इस तरह से बात नहीं होती मुझसे, और ना मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। जी आमिर सर बहुत अच्छा लगा, मैं अपने दोस्त बना के जा रहा हूँ राबिल और बिलाल को, बहुत अच्छा मैंने टाइम स्पेंड किया इनके साथ और इन दोनों ने अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ बहुत अच्छी, और आइंदा भी इंशाल्लाह बाहर निकलने के बाद भी मैं इनसे मिलूंगा, और मुझे खुशी है कि ऐसे दोस्त बना के जा रहा हूँ जो लोग मुझे समझते हैं, मतलब कुछ भी बोलूँ अगर मैं गलत बोल देता हूँ जैसे मैं मेरे मुंह से निकल जाता है गलत, लेकिन वो लोग समझते हैं कि मैंने किस वे में बोला, तो ये अच्छी बात है कुछ लोग समझने वाले मिले मुझे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने इनके साथ, और दूसरे भी लोग थे जो निकल गए उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छी लगी जर्नी। आपको क्या लगता है इनमें से कौन विनर बनेगा? तो लोग कहेंगे अच्छा विनर बना है, और कौन लगता है अगर बन गया तो कहेंगे पर्ची है? सर मैं तो राबेल को दिल से चाहूंगा कि वो विनर बन जाए, क्योंकि उसमें हर चीज़ है, हर क्वालिटी है उसमें, मतलब वो मुंह पे बोलने वाली बंदी है, कोई कैमरा के आगे आने अच्छी बनने वाली कोई तरीका नहीं है उसमें, जैसी है वो। जी कश्यप क्यों क्यों हंसी आ रही है? नस्से आती है वो, एक मिनट, वो मुंह पे बोलने वाली इसलिए क्योंकि वो मुंह पे सबको गालियां देती है बहुत गंदी, जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी गालियां देगी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है लड़की की तो वो बोलेगी, और वो जैसी है वैसी ही है, मतलब उसमें कोई दिखावा नहीं है या दिखावे की बातें नहीं करती है कुछ। अच्छा कौन इनमें से आप चाहते हैं ना जीते? दानिया सर ना जीते, बिल्कुल ना जीते। वजह? कुछ भी नहीं है इसमें, डांस ही है योगा ही है और तो कुछ भी नहीं है इसमें और कोई इतना शो के लिए नहीं है, जैसे शो का फॉर्मेट है उस हिसाब से तो फैन इसके एक भी नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से, इसके फैन नहीं बनेंगे। हाँ पता है पता है, मैं उस शो में ये सिलेक्ट भी नहीं हुई थी, पता नहीं कैसे आ गई, मतलब वेटिंग में थी या कुछ भी थी। बस 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 बोलो बोलो, हाँ कैमरा के लिए बोलो, कैमरा के लिए बोलो। अपने लेवल के लोगों को बात किया करो ना, आए बड़े। आपको लगता है दानिया बेकार कंटेस्टेंट है? हाँ सर। अभी आपको कौन लगता है विनर होना चाहिए और कौन बेकार कंटेस्टेंट है? आई थिंक विनर मेरे ख्याल से राबेल होना चाहिए,
और बेकार की कंटेस्टेंट कशफ है। कौन? कशफ। कशफ जी बिल्कुल। कशफ बेकार कंटेस्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि कशफ को कुछ ज्यादा ही मसले रहते हैं हमेशा से, डे वन से ही मसला था। और मुझे जब आगे विन हुई थी तो मुझे पूरा यकीन था मेरा नाम लेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको उस दिन भी अच्छा नहीं बोला था। आप जैसे ही मैं आपको आपके मुंह पे बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी के लिए अच्छा बनने की बुरा बनने की आदत नहीं है कि मैं मुंह पे अच्छी और पीठ पीछे बुरी। जैसी हूँ मैं चेहरे पे ही हूँ। पीठ पीछे बुरी होती तो तुम्हारे मुंह पे अभी यहाँ पे नहीं बोलती। हाँ देख रहा है कि कौन किसके लिए कितना अच्छा है, सब दिखता है, दिखता भी है सुनता भी है। सही है, अच्छा, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। भाई अगर ये बाहर जाएगा ये मेरे को बाहर तो कोई मसला नहीं करेगा ना, क्योंकि ये दो तीन चीजें बातें ऐसी बोल चुका है घर में। क्या? कि मेरी हमारे सिंध में हमारी हुकूमत है, मैं देख लूंगा। भाई यार कैमरे में देख सकते हो, कैमरे में देख सकते हो, पूरी फिल्म काट के देख सकते हो कि मैं वापस भी आ जाऊंगा शो में अगर निकल गया। ये भाई आप चेक कर सकते हो, ये बात भाई आप चेक कर सकते हो। कब बोली है यार, और ये बात नहीं हुई तो आप बाहर हो जाओगे। जी भाई, भाई इसने इन्हीं दिनों में बोली है, दो तीन दिनों बाद ये बात बोली है। आप चेक कर ले, मैंने नहीं बोली ये बात बोली है भाई। भाई ये बात नहीं बोली, मैं अभी शो से जाने के लिए तैयार हूँ। इसको मैंने बोली ही नहीं, आप चेक बोली है घर में बोली है, मुझे बोला नहीं, यही बोला है, इसलिए घर में ये बात बोली है। आप चेक कर ले सर, आप चेक कर ले, मैं ये नहीं कह रहा इसने मुझे पर्सनली बोली है, लेकिन इसने घर में ये बात बोली है। नहीं बोली मैंने। अपने ऊपर अगर इसने मुझे नहीं बोला, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप चेक कर लें, भाई चेक कर लो। कितने लोगों को लगता है अभिया को नहीं जाना चाहिए, हाथ खड़ा कर लें। एक को लगता है, दो को लगता है, तीन को लगता है। कितने लोगों को लगता है आमिर को नहीं जाना चाहिए? बिलाल और राबेल को लगता है। सिर्फ दोस्ती नहीं कर सके इतनी लोगों से तुम? सर की है, मैंने अच्छे दोस्त बनाए, जरूरी नहीं है मैं सबको अच्छा दोस्त बनाऊं। सबके साथ बाकी अच्छे नहीं है, बाकी मैंने सबके साथ शुरू में अच्छी बनाई थी। दानिया के साथ भी, कश्यप के और रूपाशा के साथ मेरी अच्छी है। पता नहीं से क्या हो गया रूपाशा को, अभी भी मेरे साथ इसके अच्छी है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। गेम में तो ठीक है, आप लोग तुम दिखाओ अपनी इंसानियत दिखा दिए। एक मिनट, यहाँ खड़ा आपको पता क्यों रखा हुआ इतनी देर तक? सर्दी लगे और कोई और भी कह के मैं नहीं खेलना चाहता, इनके साथ और कौन जाना चाहता है? ओ, कोई भी नहीं जाना चाहता। बुखार? मुझे भी बुखार है कल रात से, मुझे ठंडे पानी से कुछ नहीं होता। मैं ठंडे पानी से गर्मी में भी नहाती, लेकिन गेम है तो कुछ भी। मैं सर्दियों में भी नहाती हूँ ठंडे पानी से, मुझे कुछ नहीं। आमिर क्या हो गए, तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए सारे? सर पता नहीं क्यों हो गए, मैंने इनका नाम नहीं लिया है, ऐसी वजह से हुए हैं। बाकी तो कोई रीजन नहीं है ऐसा कोई, ये मेरे खिलाफ। कश्यप के साथ तो मेरी अच्छी बनती है, कश्यप को पता नहीं क्यों क्या हो गया, मैंने राबेल का नाम लिया इसलिए कश्यप शायद नाराज है। बाकी रूपाई शाह चले, ये आइया चाहते हैं कि आप चले जाए। आप टॉप 8 है, अब कुछ नया होगा। नया ये होगा, आप दोनों पैसे तो नहीं जीत सकते, विनर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप लोग चले गए तो 50 लाख रुपए इनके कम हो जाएंगे। नहीं जाना सर। आप लूजर बन के रहेंगे घर में, विनर नहीं बन सकते। आप इनके चैलेंजेस खराब कर सकते हैं, इनका काम खराब कर सकते हैं, इनकी हर चीज खराब कर सकते हैं। सही है सर, मजा आएगा। तो करना ये जाना है अभी, तो आप जा सकती हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं इनको इनकी लैंग्वेज में बात करके दिखाऊंगी कि टपोरी लैंग्वेज होती क्या है। जीत के दिखाएं आप मुझे, अब इनको इनके लेवल पे जाके बात। जिस भी चैलेंज में ये कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आप तो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, आप खराब कर सकते हैं वो चैलेंज। सही है सर, ये तो अच्छा है सर, अब मैंने बताऊं जीत के दिखाएं एक भी टास्क। आप एक बात भूल गए थे, 8 बेड है तो बेड थोड़ी कम होंगे, 8 कंटेस्टेंट से ही गेम चलना है। लूजर बनते जाएंगे, एंड में जो एक विनर होगा वो जीतेगा, लेकिन उसे लूजर्स को फेस करना पड़ेगा। तो अब जब भी मूड हो जाने का आप जा सकते हैं। नहीं जाना, क्योंकि मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। सही है सर, भले कुछ भी नहीं मिलने वाला, और आप इनका काम खराब कर सकते हैं, लेकिन इन पे हुक्म नहीं चला सकते। हुक्म जो है याया आप चला सकते हैं, लेकिन किन पे? जो विनर है, जो विनर है शो में जाए। क्या हुआ हमें लिविंग ऑन द एज में होता है, देखा भाई? अब पता चलेगा सर विनर कौन बन सकता है इनमें से। इनके अभी तो आएंगे डेयर बहुत ही। तो किस किस का आप काम खराब कर सकते हैं? सर दानी और ये आगा। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, जब ये सो रहे हो ठंडा पानी डाल सकते हैं। सही है सर। आप इनको सोते हुए धक्के मार के उठा सकते हैं, क्योंकि हम आपको बदतमीजी पे निकालेंगे, तो निकल तो पहले ही गए हो। बदतमीजी नहीं करूंगा सर, लेकिन मर्जी है, मैंने नहीं कहा आपको। मैं तो वो होस्ट ही नहीं हूं जो बोले आपने तमीज से रहना है, आपने वैसे रहना है जैसे आप हैं। सही है सर। तो मर्जी है आपकी। अब ये जाना है? नहीं।
किसका गेम ज्यादा खराब करने वाली हो आप? याया और कशफ को तो मैं जीना हराम कर दूंगी, उस लेवल पे जाके दिखाऊंगी जिस लेवल के ये लोग हैं। हमारा तो राशि नहीं है। अब मैं देख रही हूँ बीहा को, मतलब के हद है ना, इस बंदी को कोई मौका नहीं छोड़ना, हर वक्त सिंपैथी सिंपैथी। वहां मैंने देखा कि मैडम जी बैठी हुई आंसू बहा रही है, मैंने कहा पूल से ज्यादा पानी तो भाई इसकी आंखों से ही निकलेगा, सारे जमा हो गए, अभी यार रो रही है, अभी यार रो रही है। मैं तो जाके साइड पे बैठ गई, मैंने कहा भाई इस बंदी के ना मुझसे ड्रामे बर्दाश्त होते ही नहीं। अब जब वकार ने मुझे बनाया लूजर, तो भाई मेरे तो गंगा जमुना वैसे ही बह रहे थे, दिमाग मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें ऊपर जाके तुम्हारे लेवल पे जाके बात करके तुम्हारी औकात दिखा के और जैसे तुम हो वैसी बन के दिखाऊंगी। जब मैं घर में गई और फिर मैंने शुरू किया इनको तिगनी का नाच नचाना। रिये आ गए हम लोग मजा करने, चैंपियंस। अब पता चलेगा कौन है चैंपियन। नहीं होते चैंपियंस, लूजर्स ही होते हैं। पता चलेगा कौन है चैंपियन, लूजर्स नहीं होते। बेटा बता रहा हूं तुम्हें, रुको रुको मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। लूजर्स नहीं होते चैंपियंस, यू बेटर नो दैट। मैं बताता हूं तुझे, यू बेटर तुझे कहके तो बात मत कीजिएगा। करूंगा मैं, करूंगा तेरे साथ, तुझे करके ही बात करूंगा। अब अपनी फैमिली का बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग योर फैमिली बैकग्राउंड। हां तुझे शो कराऊंगा मैं अब बैकग्राउंड, आपको करवाने की जरूरत नहीं। आप हां कराऊंगा, नजर आता है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे याद हुआ भी करता हूं तेरे शो में। इसके मैं कपड़े नहीं बदल लेती, तो नाम बदल दे। यार दानिया बात सुनो। हाँ? यार तुमसे रुबाइशा से और ये तुम लोग राबेल से मेरी रिक्वेस्ट है, हम चारों के मामले में मत आना, ना याया के, ना मेरे और ना किसी के। सही है, प्लीज यार मैं नहीं आऊंगी। तुम अगर आओगी तो फिर मैं इतने तुम्हारे भी पीछे ततैया की तरह लगना है। मुझे किसी की भी बात और ना मैं सुनूंगी, और मैं आपसे इसी लैंग्वेज में बात करूंगी क्योंकि आपको इसी लैंग्वेज में सुनना मिलेगी भी नहीं इस घर में, वो जहन्नुम करके दिखाऊंगी तुझे। तू देख तेरी जिंदगी ना जहन्नुम कर दी, नाम अभिया फातिमा। वॉशरूम में यहीं पे तुझे यहीं पे दिखाऊंगी मैं तेरी औकात, औकात में जाके बात करनी चाहिए, ये बात मैं भूल गई। नाम बता दो दूसरा क्या रखना है। हाँ तुझे बताऊंगी मैं, साले यही लैंग्वेज पसंद है, कुछ भी नहीं लगा रही, फोन निकले पड़ गए। लड़कियों के साले नहीं होते, देवर होते हैं। सब दिखाऊंगी तुझे, सारे रंग दिखाएंगे तुझे। जाके दिखाएं आप डांस में भी ला सकते हैं, आप जाके दिखाएं। बाथरूम में भी आ सकती, वॉशरूम में भी आऊंगी मैं, हर जगह जाऊंगी। आप निकले, आप चौके तो दिखाएं। अबे वॉशरूम थोड़ी है, जहां पे भी जाने तू जा, मैं हर जगह स्टैंड है।
यार ये क्या बला छोड़ी है मेरे सर पे भाई क्या मैंने खुद अपने सर पे लिए यार नहीं मैं जाने नहीं गाली नहीं भाई मैं गई बहन अच्छा बहन गई भाड़ में अबे तुम लोग बीच में बैठे हो ना मैं ये गिरने वाली चौपड़ी है कल होना अलाउ नहीं छुरी नहीं वकार ने मना किया छुरी नहीं अब तुमने मेरे बाप के बारे में माँ के बारे में बात की।